तो हम लोग एपिथीलियल टिश्यू वगैरह देख चुके थे। एपिथीलियल टिश्यू में हम लोगों ने सिंपल एपिथीलियम देखा था, और क्या देखा था, कंपाउंड एपिथीलियम। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू इस तरह पढ़ेंगे, लेकिन एक बार हम लोग सबसे पहले रिवीजन मारेंगे एपिथीलियल टिश्यू का। एपिथीलियल टिश्यू जैसा कि हम लोगों ने बताया था, टोटल चार टाइप के टिश्यू एनिमल में प्रेजेंट होते हैं, एक एपिथीलियल टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू एंड देन न्यूरल टिश्यू। नाउ अगर हम लोग देखें टिश्यूज, एनिमल टिश्यू की बात करें, तो टोटल कितने टाइप के टिश्यू थे भाई, एक एपिथीलियल टिश्यू था एंड कनेक्टिव टिश्यू था एंड मस्कुलर टिश्यू था एंड न्यूरल टिश्यू था। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट कर चुका था। आज हम लोग ये देखेंगे, ये पूरा कंप्लीट कर चुके थे। तो हमने देखा था एपिथीलियल टिश्यू की ऑरिजिन कहाँ से हुई थी, तो हमने बताया था क्या हुआ था, जो गैस्ट्रोआ में जो मतलब जायगोट, देन फर्टिलाइजेशन, देन क्या हुआ, सेल डिवीजन, सेल डिफ्रेंशिएशन, दैट मीन्स मारूला बनी, ब्लास्टुला स्टेज बनी, देन गैस्ट्रोला, गैस्ट्रोला में क्या हुआ, जो सेल्स थी इम्ब्रियोनिक टाइम में जो सेल्स थी वो तीन लेयर में डिवाइड हो गई थी। ठीक है, तो अगर हम बात करें जो सबसे पहले दैट मीन्स कौन कौन सी लेयर में डिवाइड हो गई थी भाई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो दैट मीन्स अगर एक्टोडर्म की बात करें तो नर्वस सिस्टम से, नर्वस टिश्यू का ऑरिजिन तो एक्टोडर्मल लेयर से होता है। ठीक है, बाकी बीच वाली जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये मस्कुलर टिश्यू है, इन दोनों का ऑरिजिन कहाँ से हुआ, ये मीजोडर्मल वाली जर्म लेयर से, मीजोडर्मल वाली जर्म लेयर से। अच्छा, एक साइंटिस्ट थे हर्टविग, उन्होंने कहा था कि इन दोनों टिश्यू का, क्योंकि इनका ऑरिजिन हो रहा है मीजोडर्मल वाली लेयर पे, इसलिए उन्होंने इन दोनों टिश्यू को मीजेनकाइम कहा। ठीक है, अच्छा, और बात करें अगर एपिथीलियल टिश्यू, तो एपिथीलियल टिश्यू जो है वो तीनों के ही कॉम्बिनेशन से बनता है, तीनों जर्म लेयर से, तीनों जर्म लेयर के कॉम्बिनेशन मतलब, हाँ भाई, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड इंडोडर्म। तो ये तो अपन कंप्लीट देख चुके थे भाई, हम लोग देख चुके थे एपिथीलियम में तीन चीज़ें की रिक्वायरमेंट होती है, सेल्स प्लस ग्राउंड मैट्रिक्स प्लस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, तो बेसमेंट मेम्ब्रेन हम लोगों ने देख लिया था, ग्राउंड मैट्रिक्स भी देख लिया था, सेल्स बताई थी, तीन टाइप की सेल्स पाई जाती हैं इसमें, अगर फ्लैट एंड सेल हों तो उसको हम लोग कहेंगे स्क्वैमस सेल्स। ठीक है, क्यूब लाइक हैं तो क्यूबाइडल सेल, और अगर टाल पिलर लाइक सिलेंड्रिकल खड़ी खड़ी लंबी लंबी सेल हैं, देन उसको हम लोग कॉलमनर सेल बोलेंगे। तीन टाइप की सेल यहाँ पे एपिथीलियल टिश्यू में देखने को मिलती है ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब सेल्स जो हैं एपिथीलियल टिश्यू में वो बेसमेंट मेम्ब्रेन पे कैसे, किस टाइप के सेल प्रेजेंट हैं। अगर सेल लाइक टाइल्स फ्लैटेंड फॉर्म में प्रेजेंट हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, तो उसको तो हम लोगों ने बोल दिया क्या, सिंपल एपिथीलियम। भाई एपिथीलियल टिश्यू के दो टाइप, एक तो सिंपल एपिथीलियम, एक है कंपाउंड एपिथीलियम। सिंपल एपिथीलियम का मतलब होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन में सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज होंगी, कंपाउंड लेयर का मतलब होता है मल्टी लेयर सेल अरेंज होंगी। ठीक है, तो अच्छा, अब अगर सिंपल लेयर में भी तीन टाइप, एक अगर सिंपल बेसमेंट मेम्ब्रेन में अगर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स अरेंज होगी लाइक फ्लैटेंड सेल होगी तो सिंपल स्क्वैमस कहेंगे, अगर क्यूब लाइक सेल अरेंज होगी तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल क्यूबाइडल, अगर टॉल पिलर लाइक सिलेंड्रिकल सेल अरेंज होगी तो उसको हम लोग कहेंगे क्या, सिंपल कॉलमनर एपिथीलियम। ठीक है, अब बात होती थी कि भाई जो ये टायर्स लाइक सेल्स हैं स्क्वैमस, ये कहाँ बनाई जाती है बॉडी में, और जो क्यूब लाइक हैं ये कहाँ बनाई जाती हैं, और जो टॉल पिलर लाइक सिलेंड्रिकल सेल हैं ये कहाँ बनाई जाती है। तो सिंपल की बात है, जहाँ डिफ्यूजन या फिल्ट्रेशन का काम होगा वहाँ पे स्क्वैमस एपिथीलियम बनाई जाती है, जहाँ पे सेक्रीशन का काम होगा वहाँ पे क्यूबाइडल सेल बनाई जाती है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन का काम होगा वहाँ पे ये कॉलमनर सेल्स बनाई जाती थी। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने। अब ठीक है, एग्जांपल पूरा रिपीट नहीं करेंगे ये चीज़। अब बात करें अगर कंपाउंड एपिथीलियम की, तो कंपाउंड एपिथीलियम वहाँ बनाई जाती थी, कंपाउंड एपिथीलियम लाइक मल्टी सेल बाई न्यूक्लियस बना लेना। ठीक है, तो कंपाउंड एपिथीलियम वहाँ बनाई जाती थी जहाँ पे बॉडी में प्रोटेक्शन की ज़रूरत है।
ठीक है, जैसे हमारी स्किन है ये आउटर इन्वायरमेंट से कनेक्ट है, ठीक है, मैकेनिकल, इसीलिए भगवान ने यहाँ पे क्या करा, कंपाउंड एपिथीलियम बनाई, ठीक है। बक्कल म्यूकोसा हम लोग खाना वाना खाते हैं भाई, तो यहाँ पे क्या होता है, कड़ी कड़ी रोटियाँ होती हैं, ये म्यूकोसा जो है अंदर की बक्कल कैविटी, दैट मीन्स फेरिंग्स की छिल ना जाए, तो यहाँ पे भी कैसी प्रोटेक्शन के लिए कंपाउंड एपिथीलियम रखी गई है। अच्छा, एपिथीलियम का मतलब होता है कवरिंग, ये ज़्यादातर कवरिंग बनाती है ऑर्गन्स में, ठीक है, लाइक। तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती हैं, भाई सिंपल सी बात है, जहाँ फ्रिक्शन होगा, अब फ्रिक्शन स्किन में फ्रिक्शन है, ये अपने गाल जो है चीक्स, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे भी फ्रिक्शन है भाई, रेजर लगा लगा के शेविंग करते हैं, दैट मीन्स यहाँ पे भी फ्रिक्शन है, तो दैट मीन्स यहाँ पे भी कैसी एपिथीलियम प्रेजेंट होगी, कंपाउंड एपिथीलियम। वेजाइनल वेजाइनल दैट मीन्स ट्यूब में, दैट मीन्स वेजाइनल कैनाल में, वहाँ पे भी ये एनल कैनाल, दैट मीन्स जहाँ पे भी फ्रिक्शन दिखे, ओइसोफेगस में, ठीक है, ओके, तो यहाँ पे भी क्या पाई जाती है, मल्टीलेयर्ड एपिथीलियम, ठीक है, ओके। तो ये हो गया पूरा। फिर हम लोगों ने क्या देखा था, इनके मॉडिफिकेशन देखे थे, एपिथीलियल टिश्यू के, एपिथीलियल टिश्यू के मॉडिफिकेशन देखे थे, लाइक अगर एपिथीलियल टिश्यू के फिर हम लोगों ने मॉडिफिकेशन देखे थे, उसमें भी सबसे पहला मॉडिफिकेशन देखा था वो सिंपल एपिथीलियम का देखा था हम लोगों ने, ठीक है, सिंपल एपिथीलियम का देखा था, बाद में हम लोगों ने कंपाउंड सिंपल एपिथीलियम के बहुत सारे मॉडिफिकेशन, लाइक ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम थी, ब्रश बॉर्डर का मतलब होता था, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे एब्जॉर्प्शन बहुत तगड़ा कराना होता है, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन की ज़रूरत होती है, लाइक हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, वहाँ पे विलाई और माइक्रो विलाई देखना। विलाई का मतलब क्या होता है बताओ? अच्छा, विलाई का मतलब कुछ नहीं होता, ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन, इसमें भगवान ने क्या कर दी, फोल्डिंग, लो फोल्डिंग, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन में, तो इससे क्या हो गया, सरफेस एरिया बढ़ गया। अब जितना सरफेस एरिया ज़्यादा हुआ उतना एब्जॉर्प्शन हुआ ज़्यादा, ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाएगा कम टाइम में, है ना। और फिर यहाँ पे जो सेल है रेंज ग्रीन इन बेसमेंट मेम्ब्रेन में, कौन, डार्क पिलर लाइक सेल, जहाँ पे एब्जॉर्प्शन होता है वहाँ पे हम लोग ये कॉलमनार सेल बनाते हैं, तो दैट मीन्स, लेकिन एक एक्सेप्शन भी है वो बताएंगे आगे। तो यहाँ पे जो सेल्स बनाएंगे कॉलमनार सेल, इसमें भी भगवान ने क्या करा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकाल दिया ऊपर भाई, इस सेल की जो एपिकल पार्ट उसको खींच दिया, जिसके कारण यहाँ पे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर बन गया, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोगों ने माइक्रोविलाई नाम दिया, दैट मीन्स यहाँ पे विलाई एंड माइक्रोविलाई देखने को मिलते हैं प्लस बॉर्डर एपिथीलियम में, ठीक है। वहीं अगर एक एग्जांपल लें हम लोग नेफ्रॉन का, नेफ्रॉन में क्या होता है, यूरिन जितना से ज़्यादा आता है 75% PCT के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता था, तो वहाँ पे जो PCT वाली रीजन पे जो सेल्स प्रेजेंट थी उसमें भी क्या विलाई एंड माइक्रोविलाई देखने को मिलते थे, लेकिन वहाँ पे जो सेल्स बनाई जाती थी एब्जॉर्प्शन के लिए वो कॉलमनार नहीं बनाई जाती, क्यूबॉइडल, हाँ 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 भाई मान गए कि एब्जॉर्प्शन के लिए कॉलमनार ही बनाना जरूरी, बट एक एक्सेप्शन है, याद कर लो, वहाँ पे क्यूबॉइडल सेल्स बनाई जाती, ठीक है, वहाँ पे विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है। तो एक तो हम लोगों ने ये मॉडिफिकेशन पढ़ा, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम, ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम बता दिया ना, विलाई माइक्रोविलाई। नाउ सेकंड अगर बात करें हम लोग सीलेटेड एपिथीलियम, तो सीलेटेड एपिथीलियम वहाँ बनाई जाती है जहाँ पे किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को एक डायरेक्शन में दूसरी डायरेक्शन की तरफ मूव करवाना होता था, लाइक हमारे ट्रैकिया में कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह चला गया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सीलेटेड एपिथीलियम पाई जाती थी। या फिर अपन फेलोपियन ट्यूब का एग्जांपल ले लो, फेलोपियन ट्यूब में क्या होता था, जब ओवा आता था ओवी से, तो उसको एम्पुला पे पहुँचाना होता था, ठीक है, यहाँ से ओवा गया, ओवरी में आया यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे पहुँचाना है, तो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट हैं, कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, कॉलमनार एपिथीलियम, उसमें क्या है, सीलिया प्रेजेंट होते थे, ठीक, सीलिया इसको मार मार के सोवा को इस डायरेक्शन में मूव करवा देते थे, ठीक है, ताकि यहाँ पे पहुँच जाओ, फर्दर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो सके, तो इसको यहाँ से यहाँ पहुँचाने के लिए से, तो सीलिया क्या इंपॉर्टेंस है सीलिया का, किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव करना। ऐसे हमारी जो ट्रैकिया है, लाइक ये ट्रैकिया है, ये लंग्स हैं, लाइक ये ट्रैकिया है, यहाँ पे भी जो सीलिया प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे भी जो एपिथीलियम प्रेजेंट होगी वो सीलेटेड एपिथीलियम प्रेजेंट होगी, ठीक है, यहाँ पे हुई ये सीलेटेड एपिथीलियम पाई जाती है, ठीक है, तो दैट मीन समझिए ना, सीलिया कहाँ प्रेजेंट होंगे, ठीक है, सीलेटेड का मतलब क्या है, एपिथीलियम में सीलिया प्रेजेंट हो गए, ठीक है। तो दूसरा मॉडिफिकेशन सीलिएटेड, एंड थर्ड मॉडिफिकेशन हम लोगों ने क्या देखा था, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड,
सूडो स्ट्रेटिफाइड, स्ट्रेटिफाइड का मतलब होता है मल्टीपल लेयर, लेकिन सूडो का मतलब होता है फॉल्स, मतलब लगेगी तो मल्टीपल लेयर लेकिन एक्चुअल में रियल में मल्टी लेयर है नहीं एपिथीलियम। ऐसी एपिथीलियम हम लोगों को ट्रैकिया में देखने को मिलेगी, ठीक है, ओके, ट्रैकिया में देखने को मिलेगी, बस यही है। नाउ फोर्थ, अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या देखने, न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम, न्यूरोसेंसरी मतलब न्यूरोन प्रेजेंट होंगे एपिथीलियम में, ठीक है। हम लोगों ने देखो एक नोज का एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पर सिनेडेरियन मेम्ब्रेन बनाई थी, बीच बीच में एपिथीलियम के भी अगर न्यूरॉन सेल निकाल दी थी, ये न्यूरॉन सेल क्या करती है, चीज़ों को सेंस करेगी, इसमें वो सेंस करेगी, सिंपल सी बात है। और अगर बात करें ऐसे हमारे जो टंग में, हमारे टंग में क्या होते हैं टेस्ट बर्ड होते हैं, उनके अंदर जो न्यूरॉन्स वगैरह पाए जाते हैं भाई सेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हमारी आँख में पाए जाते हैं, तो दैट मीन्स न्यूरोसेंसरी सेल कहाँ कहाँ पाई जाती है, नोज, टंग, आईज, यहाँ पे। और फिफ्थ अगर हम लोग देखें तो पिगमेंटेड एपिथीलियम की बात करें, पिगमेंटेड एपिथीलियम क्या करता था भाई, ये सारी की सारी लाइट को एब्जॉर्ब करता था, जिसके कारण क्या हुआ, रिफ्लेक्शन नहीं होता। ये पाई कहाँ जाती थी, हमारे आई, आई ऑफ रेटिना में, आई में भी कहाँ पे, रेटिना, रेटिनल लेयर में, रेटिना की जो सबसे बेस वाली लेयर है, जो सबसे फर्स्ट लेयर है अंदर की, वहाँ पे या सबसे आउटर लेयर पे, तो देखो डिपेंड करता है तुम रेटिनो को, हाँ चलो ठीक है, सबसे आउटर लेयर कह दो, मतलब जो एकदम कोरोइड की तरफ होती है वो वाली, जो सबसे पहली लेयर होती है वो एक्चुअली पिगमेंटेड लेयर होती है। अभी अभी पिगमेंटेड लेयर का मतलब होता है पिगमेंटेड, मतलब उसमें पिगमेंटेशन दैट मीन्स केमिकल्स ऐसे भरे होंगे जिसके कारण क्या होता है, अंदर लाइट का रिफ्लेक्शन नहीं हो पाता। एक बार जब हमारी आँख में लाइट इंटर कर जाती है देन रेटिनो में जाती है, तो वहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं होता उस लाइट का। सपोज दैट अगर रिफ्लेक्शन हो जाता है वहाँ पर नहीं होती पिगमेंटेड लेयर, तो क्या होता, तो एक ऑब्जेक्ट, जैसे हम ये मार्कर देख रहे हैं अपने सामने, ये मार्कर है रियल में एक, तो हमको यहाँ पे 10 मार्कर दिखाई पड़ते हैं, इधर भी दिखाई पड़ता है, इधर भी दिखाई, लेकिन होता है एक्चुअल में एक ही मार्कर, ठीक है, अगर पिगमेंटेड वाली लेयर नहीं होती। लेकिन पिगमेंटेशन वाली लेयर बना दी तो ये हो गया कि अब हमको एक्चुअल में एक सिंगल ऑब्जेक्ट दिखाई देता जो कि रियल है, ठीक है। तो ये कहाँ देखने को मिलती है पिगमेंटेड लेयर हम लोगों में, रेटिना में, ठीक है। और एक फिफ्थ मॉडिफिकेशन और बताया था सिंपल एपिथीलियम का, ग्लैंडुलर एपिथीलियम, ये भाई सिंपल मॉडिफाइड होके ग्लैंड का काम करती है, ठीक है। सिर्फ भाई कोई भी एपिथीलियम, हमेशा याद रखना जो एपिथीलियम जो ग्लैंड मॉडिफाई होके सेक्रीशन देने, वो हमेशा एपिथीलियल टिश्यू का एग्जांपल होती है, ठीक है। तो दैट मीन जिसने ग्लैंड है जिसमें जिसमें जो सेल्स पाई जाती है, वो कौन सी सेल्स होंगी, एपिथीलियम टिश्यू। अब एपिथीलियम में कोई भी सेल्स हो सकती है, लाइक क्यूबाइडल हो सकती है, कॉल्यूमनर, ज़्यादातर कौन सी होती है, क्यूबाइडल, ठीक है। कॉल्यूमनर बस केवल और केवल गॉबलेट सेल में दिखेगी, यूनिसेलुलर बाकी किसी में भी, बाकी जहाँ पे भी ग्लैंड देखो वहाँ की सेल हमेशा क्यूबाइडल बनाना है, क्योंकि डक्ट ऑफ ग्लैंड में मेनली क्यूबाइडल सेल्स ही प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, जो सेक्रीशन देने का काम करती हैं। तो दैट्स इट। और एक हम लोगों ने मॉडिफिकेशन देखा था कंपाउंड एपिथीलियम का, ट्रांजिशनल एपिथीलियम, स्ट्रेचेबल एपिथीलियम ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने जंक्शन देख लिए थे, तीन टाइप के जंक्शन हम लोगों को पढ़ने थे, टाइट जंक्शन, एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शन। टाइट जंक्शन क्या करता था, टाइट जंक्शन क्या करता था, टाइट जंक्शन जो होता था सेल के बीच में, वो क्या करता था, स्टॉप लीकेज, लीकेज को रोकता था, मतलब स्टॉप लिंकिंग, उनके लीकेज को रोकता था, मतलब एक सेल का कोई भी सब्सट्रेट दूसरे सेल में इंटर ना कर पाए, उनको उनके लीकेज को रोकता था, प्रिवेंट करता था, ठीक है। वहीं अगर हम लोग देखें एडहेरिंग जंक्शन, एडहेरिंग का मतलब होता है जकड़ के रखना, एडहेरिंग का मतलब होता है अटैच करके रखना, जोड़ के रखना, कनेक्ट करके रखना, ठीक है। तो दो सेल को ये क्या करता था, अडहेयर करके रखता था, ठीक है, ओके, बस इतने ही, ये इसमें बस और कोई नहीं है, और कुछ नहीं याद रखना। गैप जंक्शन में क्या होता था, गैप जंक्शन एक ऐसा जंक्शन था जिसमें जो सेल के पूरा जो ये सेल मेम्ब्रेन दैट मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, वो दोनों फ्यूज़ हो जाते थे, जिसके कारण उन दोनों सेल का साइटोप्लाज्म भी फ्यूज़ कर जाता था आपस में। अब इस सेल को कोई भी आयन वायन की, कोई भी मॉलिक्यूल्स की अगर ज़रूरत होगी, वो इस सेल से ले लेती थी। दैट मीन्स एक जो गैप जंक्शन में जो सेल्स होती हैं, वो एक दूसरे को वहाँ पे सब्सटेंसेस का वो हो जाता था, क्या नाम, आदान प्रदान हो जाता था, ठीक है, एक दूसरे से एक्सचेंज हो जाते थे आयंस के, छोटे एंड स्मॉल मॉलिक्यूल, कभी कभी समटाइम्स बिग मॉलिक्यूल के भी एक्सचेंज देखने को मिलते थे, ठीक है। तो गैप जंक्शन समझ गया हम लोग, टाइट जंक्शन समझ गया, एडहेरिंग जंक्शन समझ गया, ठीक है। बस इससे ज़्यादा हट के क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो टोटल एनसीईआरटी से हम लोग चले हैं, एनसीईआरटी रीडिंग भी करवा दी थी। नाउ आज हमको देखना था क्या, कनेक्टिव टिश्यू, तो आज हम लोग कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करेंगे, ओके। कनेक्टिव टिश्यू, ओके, तो कनेक्टिव टिश्यू लाइक हम लोगों ने क्या बताया था, इसका ऑरिजिन कहाँ से हुआ था भाई, मेसोडर्मल लेयर से, ठीक है।
नाउ सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या कनेक्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। ओके तो कनेक्टिव टिश्यू जिस हिसाब से हमने बताया था, टिश्यू क्या था, अ ग्रुप ऑफ सेल अलोंग विद इंटरसेलुलर सबस्टांस, ठीक है। जैसे हमने बताया था अ ग्रुप ऑफ सेल, ये सेल्स की बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड हो गई थी, ठीक है, अलोंग विद इंटर, इनके बीच में कुछ सबस्टांस होगा, तो दिस नोन इज व्हाट टिश्यू इसको कहेंगे। तो दैट मीन जैसा हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू में देखा था, वहाँ पे तीन चीज़ें प्रेजेंट थी, सेल प्रेजेंट था, ग्राउंड मैट्रिक्स प्रेजेंट था, एंड तीसरी क्या चीज़ प्रेजेंट थी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पे बेसमेंट मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक्चुअली बेसमेंट मेम्ब्रेन की जगह फाइबर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, फाइबर देखने को मिलेंगे और ग्राउंड मैट्रिक्स देखने को मिलेगा प्लस और हमको सेल्स देखने को मिलेंगी, ठीक है। वहाँ पे फाइबर की जगह हम लोगों को बेसमेंट मेम्ब्रेन एपिथेलियल टिश्यू में देखने को मिलती है, यहाँ पे हमको फाइबर। अब आप बोलोगे भैया भैया ये फाइबर क्या होते हैं, तो बता रहे हैं ना, फाइबर एक्चुअल में जो सेल में कनेक्टिव टिश्यू में जो फाइबर देखने को मिलते हैं ना, वो एक्चुअल में तीन टाइप के फाइबर हम लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है, और एक एक करके हम देखते हैं। हम लोग सबसे पहले फाइबर देखते हैं, लाइक सबसे पहला जो फाइबर होता है वो वाइट कोलाजन, वाइट कलर्ड फाइबर होता है, उसको हम लोग कहते हैं वाइट कोलाजन फाइबर, ठीक है, ठीक है। तो वाइट कोलाजन फाइबर, वाइट कोलाजन फाइबर ये समझ लो एकदम ये जो फाइबर होते हैं हमारे जो कनेक्टिव टिश्यू में पाए जाते हैं, ये एकदम मतलब ये समझ लो एकदम सेवई नहीं होती है, सेवई या मैगी का नूडल एकदम टाइट उसके ही तरह होते हैं, एकदम अनब्रांच्ड होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं प्लस अनब्रांच दैट मीन्स में ब्रांचिंग नहीं पाई जाती और ये टाइट होते हैं, अनब्रांच होते हैं टाइट होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग कोलाजन फाइबर की, तो ये बने किसके होते हैं, ये बने होते हैं ट्रोपो कोलाजन, ट्रोपो कोलाजन प्रोटीन के, ठीक है। और अगर बात करें भाई ट्रोपो कोलाजन प्रोटीन है वो एनिमल बॉडी में अगर बात करें तो मोस्ट अबंडेंट ट्रोपो कोलाजन प्रोटीन या फिर कह दो कोलाजन प्रोटीन, ठीक है, ये क्या है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है इन एनिमल्स। ओके नाउ अगर हम लोग बोलें अपनी अर्थ पे कि मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑफ द वर्ल्ड बताओ, ऑन द अर्थ बताओ, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ऑन द अर्थ, तो हमेशा वो याद रखना जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है वो प्लांट की साइड चला जाता है, प्लांट की जो सेल वॉल होती है सेलुलोज की बनी हुई थी होती है ना, तो हमेशा याद रखना मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल वो कौन सा होता है, सेलुलोज, जो कि प्लांट की सेल वॉल में पाया जाता है, ठीक है। और अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग मॉलिक्यूल्स बताओ, तो उसमें डीएनए आता है, ठीक है। अगर पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ बताओ, तो वो भी प्लांट की साइड ही होता है, रूबिस्को राइबोलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है, तो दैट मीन्स रूबिस्को होता है, ठीक है, सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो होता है रूबिस्को होता है, वो भी प्लांट में ही पाया जाता है, ठीक है। हाँ अगर पूछा जाए स्पेसिफिक कि मोस्ट, देखो अगर सिर्फ पूछा जाए मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन द अर्थ तो रूबिस्को आंसर जाएगा, अगर पूछे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, ओनली एनिमल का नाम लेके बोले, तब कोलाजन लगाना है, ठीक है, क्योंकि ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होती है जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, मतलब कहीं जहाँ भी कनेक्टिव टिश्यू वहाँ पे वाइट कोलाजन दैट मीन्स ये वाला फाइबर जरूर पाया जाता है, दैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, जरूर तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाता है, इसीलिए हमारी बॉडी में भाई कहीं कहीं अभी दूसरे फाइबर्स भी देखने को मिल सकते हैं ना, लेकिन वो कम देखने को मिलते हैं कहीं कहीं, लेकिन ये हमारी बॉडी में ये वाले फाइबर्स बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कोई भी एनिमल हो, एनिमल वर्ल्ड्स में सबसे ज़्यादा जो फाइबर्स पाए जाते हैं वो ये वाले पाए जाते हैं, कोलाजन फाइबर, ठीक है। ओके और अगर कनेक्टिव टिश्यू में एक टाइप का फाइबर तो ये देखने को मिलेगा, ठीक है, और दूसरे टाइप के फाइबर कौन से देखने को मिलेंगे, जो येलो कलर होंगे, इसीलिए उनको बोलते हैं हम लोग येलो इलास्टिन फाइबर, या सिर्फ इलास्टिन फाइबर कह दो, येलो इलास्टिन फाइबर, ठीक है ना, नाम से ही लग रहा है क्या होंगे, इलास्टिन दैट मीन्स इलास्टिक होंगे, ठीक है,
दैट मीन्स ये एक्चुअली ब्रांच्ड भी होते हैं और इनमें इलास्टिसिटी होती है, ठीक है, ऐसे ब्रांच्ड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, दैट मीन्स ये क्या है, ब्रांचिंग्स पाई जा रही हैं इसमें, ब्रांच्ड होते हैं प्लस ये इलास्टिक होते हैं, जैसे गेटिस नहीं होती है रबड़ बैंड वगैरह को खींचो खींचता है, ऐसे ये जो फाइबर हैं ये भी क्या होते हैं, मतलब एकदम इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक इन नेचर होते हैं, खींचो भी खींच जाएंगे आराम से, तो दैट मीन ब्रांच होते हैं प्लस इलास्टिक होते हैं, इलास्टिक इन नेचर, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें सेकेंड पॉइंट की यहाँ पे एलो इलास्टिन में, तो ये बने किसके होते हैं, तो भैया ये बने होते हैं इलास्टिन प्रोटीन के, इलास्टिन प्रोटीन के यानी मेड अप ऑफ इलास्टिन प्रोटीन। नाउ थर्ड अगर हम लोग पॉइंट देखें तो दैट मीन्स इनके बारे में एक सबसे जो मतलब कि एक बहुत ही स्पेसिफिक पॉइंट ये होता है कि एक्चुअल ये हाईली रेजिस्टेंट फाइबर्स होते हैं। हाँ ये और इम्पोर्टेंट है, हाईली रेजिस्टेंस फाइबर, ठीक है। जितने भी फाइबर हैं कनेक्टिव टिश्यू में एक्चुअली तीन फाइबर पाए जाते हैं, एक तो वाइट कोलेजन, एक ये येलो इलास्टिन या फिर कोलेजन फाइबर बोल दो या फिर इलास्टिन फाइबर, एक होता है रेटिकुलिन फाइबर, ठीक है। रेटिकुलिन तो लगभग लगभग नेग्लिजिबल ही है, मतलब कहीं कहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली जो कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर पाए जाते हैं वो दो ही देखने को मिलते हैं, कोलेजन फाइबर एक इलास्टिन फाइबर, ठीक है। उसमें भी अगर पूछा जाए तो वो फाइबर बताओ, एक मिनट, हाँ चलो सही है, वो फाइबर बताओ जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंट है, ठीक है, जब से सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स सबसे ज़्यादा देर तक, मतलब उसकी जो लिविंग पावर है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, इलास्टिन फाइबर की। पुराने ज़माने में एक्चुअली होता क्या था, बहुत ज़्यादा पुराने प्राचीन एकदम जो राजा महाराजाओं का टाइम था एकदम, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता था, जब किसी राजा वगैरह की डेथ हो जाती थी तो उनको क्या करता था, उनको मतलब कि दफनाया फनाया नहीं जाता था, उनका क्या करता था, पूरी बॉडी में मसाला वगैरह कुछ लगा के उनको एक ताबूत था उसमें मतलब बंद कर देते थे, मम्मी उसी को तो कहते थे मम्मी, फिर जब हजारों साल बाद उस ताबूत में से तो उसकी बॉडी निकाली जाती थी तो होता क्या था, उसका जो मांस वगैरह ये सब जो होता था, मतलब कि ऊपर जो स्किन वगैरह है सब 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 मतलब एकदम गल टाइप की जाती थी, लेकिन जो बॉडी में ब्लड ये जो ब्लड वेसल्स थी वो एकदम एग्जैक्ट की एकदम ऐसे की वैसे, मतलब कि एकदम मतलब वैसे ही स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में पड़ी रहती हैं ब्लड वेसल। क्यों? क्योंकि ब्लड वेसल क्यों नहीं, वो क्यों नहीं गलती, क्योंकि उनकी जो ब्लड वेसल की जो आउटर कवरिंग है उस पर ये इलास्टिन फाइबर की कवरिंग रहती है, तो दैट मीन्स यही फाइबर प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए उनकी जो है क्या नाम दैट मीन्स इसीलिए क्या होते हैं वो जल्दी डैमेज नहीं होते हैं, दैट मीन्स वो लॉन्ग लिव या फिर ब्लड वेसल जो होते हैं उनके ऊपर कैसी होती है, इलास्टिन फाइबर की कवरिंग होती है, इसीलिए हाईली रेजिस्टेंट फाइबर कहा गया है, ये जल्दी डैमेज नहीं होते, ठीक है, ओके, ठीक है। नाउ थर्ड टाइप ऑफ अगर हम लोग फाइबर देखें तो हमारी कनेक्टिव टिश्यू में कौन से पाए जाते हैं भाई, ये रेटिकुलिन फाइबर, ठीक है, तो रेटिकुलिन देख लेते हैं हम लोग। नाउ फर्स्ट हम लोगों ने देखा कोलेजन, देन सेकेंड हम लोगों ने देखा इलास्टिन फाइबर, एंड थर्ड कौन से कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलेंगे उनको, रेटिकुलिन फाइबर। अच्छा चलो यहाँ नहीं वहाँ देखते हैं, नाउ इधर देखते हैं, थर्ड अगर हम लोग बात करें रेटिकुलिन फाइबर, नाउ रेटिकुलिन की बात करें तो रेटिकुलिन फाइबर एक्चुअली हमने पहले बताया क्या, ज़्यादातर फाइबर्स जो कनेक्टिव टिश्यू में देखने को मिलते हैं ये दो, कोलेजन एंड इलास्टिन, लेकिन होता क्या है रेटिकुलिन फाइबर कहीं कहीं एक्चुअली ज़्यादा देखने को नहीं मिलता, बस ये कहाँ देखने को मिलता है, जैसे कोई कहीं कट, हम लोग कहीं कट वट सपोज डेट कुत्ते उत्ते ने काट लिया तो जहाँ घाव भरना है ना तो वहाँ पर क्या हुआ, नए नए टिश्यू का बनाना है, फाइबर्स बनाने हैं तो वहाँ पर यही वाले फाइबर्स, ठीक है, बनाने होते हैं, ठीक है। ये कैसे होते हैं, ये एक्चुअली में ब्रांच्ड होते हैं बट नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है, टाइट नहीं यहाँ पे नॉन इलास्टिक को, ठीक है, जैसे कोलेजन फाइबर होते हैं ना नॉन इलास्टिक, वैसे ही ये भी क्या होते हैं, नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है, और क्या होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, दैट मीन्स ऐसे ऐसे होते हैं, इनमें ब्रांचिंग्स पाई जाती हैं लेकिन ये जो होते हैं नॉन इलास्टिक, दैट मीन टाइट होते हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग
मतलब टाइट भी, टाइट का मतलब होता है नॉन इलास्टिक, ऐसा मत समझना टाइट कुछ गलत लिखा हुआ था, टाइट मतलब समझाने के लिए वो मतलब साफ कर दिया था। दैट मीन्स ये ब्रांच होते हैं और नॉन इलास्टिक होते हैं, ठीक है। अच्छा, बने किसके होते हैं? तो रेटिकुलिन प्रोटीन के, रेटिकुलिन प्रोटीन के बने होते हैं भाई, रेटिकुलिन फाइबर, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग इनके बारे में, ये याद रखना हमेशा, ये जो न्यूली फॉर्म टिश्यू हैं, जहाँ पे नए टिश्यू का फॉर्मेशन होना होता है वहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। लाइक जैसे कहीं पे घाव वगैरह भरना है, लाइक वहाँ पे फाइबर्स भरने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज दैट यहाँ पे किसी ने, कुत्ते ने काट वाट लिया, तो दैट मीन्स यहाँ पे इस एरिया में क्या होगा, घाव स्किन वगैरह को भरनी पड़ेगी ना, तो फाइबर्स वगैरह आएंगे, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, कौन से फाइबर्स बनेंगे, तो यही वाले फाइबर्स बनेंगे, ठीक है, रेटिकुलिन फाइबर। और अगर हम बात करें लाइक जैसे कोई न्यू बॉर्न बेबी है, वो भी तो अभी बड़ा हो रहा है भाई, बच्चा है, पेट में बन रहा है पूरा, उसके नए नए टिश्यूज़ बन रहे हैं, तो वहाँ पे उस टाइम भी ये रेटिकुलिन फाइबर ही होता है जो मतलब कि सही से वहाँ पे जो टिश्यूज़ बनाता है, ठीक है। तो इसके बारे में ज़्यादा इतना याद नहीं रखना है, ज़्यादातर हम लोगों मेजरली बस दो ही फाइबर्स याद रखने हैं, कोलेजन फाइबर एंड इलास्टिन फाइबर, जो कि मेनली मेनली प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, वो पाया जाता है, लेकिन उसके बारे में इतना याद नहीं रखना है, ठीक है। ठीक है, मेनली हम लोग दो ही बनाएंगे, ठीक है, किसी भी सेल में। तो ये हम लोगों ने फाइबर देख लिए, फाइबर तीन टाइप के प्रेजेंट होते हैं कनेक्टिव टिश्यू में, हमको कौन कौन से, वाइट, येलो और रेड कुलिंग, ठीक है, ओके। तो और ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करें तो आप ऐसा करो, एक यहाँ पे बाल्टी ले लो भाई, बाल्टी ले लो, कोई बर्तन ले लो, लाइक कुछ भी फ्लास्क ले लो यहाँ पे, तो दैट में इसमें क्या हुआ, इसमें हम लोगों ने वाटर लिया भाई बहुत सारा, ठीक है। इसमें वहाँ पे क्या करते थे हम लोग, प्रोटियोग्लाइकन मिलाते थे या ग्लाइकोप्रोटीन मिलाते थे ग्राउंड मैट्रिक्स में, कहाँ पे, एपिथेलियल टिश्यू में, ठीक है। यहाँ पे क्या होता था, प्रोटियोग्लाइकन के साथ साथ भाई, प्रोटियोग्लाइकन के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मिलाते हैं, थोड़ा इधर लेते हैं भाई, देखो होता क्या था, यहाँ पे सपोज दैट हम लोगों ने वाटर लिया और क्या मिलाया, प्रोटियोग्लाइकन, ग्लाइकन प्लस यहाँ पे एक चीज और मिलाते हैं, हाइलुरोनिक एसिड, फ्लुएंट में हाइलुरोनिक ही बोल देते हैं, ठीक है, हाइलुरोनिक एसिड भी मिलाते हैं, ठीक है, ओके। तो दैट मीन्स तो जो ये यहाँ पे जेली टाइप का मटेरियल तैयार हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक है, जेली टाइप का, ठीक है। तो इसका ग्राउंड मैट्रिक्स कैसा होता है, थोड़ा जेली टाइप होता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हाइलुरोनिक एसिड भी मिला होता है, ठीक है। अच्छा, वाइट कोलेजन फाइबर को अगर हम लोग गर्म कर दें ना, अगर हीट फॉर्म में कर दें, तो ये जिलेटी में प्रेजेंट, जैसे पाउडर नहीं होता, क्रिस्टल फाइबर, क्रिस्टल फॉर्म में पाउडर जो होता है, अपने पाउंड इस तरह के पाउडर होते हैं जो, ऐसे ही अगर हम लोग कोलेजन फाइबर जो होते हैं, इन फाइबर्स को अगर हीट गर्म कर दें ना, तो ये भी क्या होते हैं, क्रिस्टल में, वाइट क्रिस्टल में कन्वर्ट। चलो कोई बात नहीं, नहीं यार कोई बात नहीं, एनसीईआरटी की लाइन नहीं है, तो इधर आ जाओ, ठीक है। ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करें तो ग्राउंड मैट्रिक्स में हम लोगों ने क्या देखा, एपिथेलियल टिश्यू का ग्राउंड मैट्रिक्स ऑनली प्रोटियोग्लाइकन का बना होता है, यहाँ पे इसमें साथ साथ एक और केमिकल प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिक एसिड, क्या, हाइलुरोनिक एसिड, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग सेल्स की, तो यहाँ पे हम लोगों को जो सेल्स देखने को मिलती है वो बहुत टाइप, वहाँ पे तीन टाइप की सेल्स देखने को मिली थी, वाइट स्क्वैमस, क्यूबॉइडल, कॉलमनर। यहाँ पे कौन कौन सी सेल, यहाँ पे सबसे पहली सेल अगर हम लोग बताएं, तो यहाँ पे हम लोगों को सेल्स देखने को मिलती लाइक फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, ब्लास्ट, ओके, ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सेल, साइट मतलब बेचो, एरिथ्रोब्लास्ट मतलब इमेच्योर आरबीसी, एरिथ्रोसाइट मतलब मेच्योर आरबीसी, ठीक है। तो दैट मीन्स फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रो नाम सबसे पहले नाम से छोड़ो, ठीक है, मान के चलो ये भाई है, ओके। तो दैट मीन्स ये कनेक्टिव टिश्यू है, तो यहाँ पे जो फाइब्रोब्लास्ट होती है वो एक्चुअली जो सेल होती है फाइब्रोब्लास्ट, वो एक्चुअली ब्रांच शेप होती है, हाईली ब्रांच शेप होती है, ठीक है, ऐसे स्टार स्टार फॉर्म में होती है, स्टीलेट शेप में होती है, ठीक है।
स्टार शेप में होती है, जैसे स्टार फिश लाइक होती है ना स्टार फिश, वैसे ही इसका शेप होता है ये फाइब्रोब्लास्ट का। ठीक है, तो अगर हम लोग पहला और अगर बात करेंगे तो ये क्या होती है, मोस्ट अबंडेंट सेल होती है ये कनेक्टिव टिश्यू की, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में यही पाई जाएगी, दैट मीन मोस्ट अबंडेंट एंड स्टीलेट और स्टार शेप्ड सेल। ठीक है, ओके, मोस्ट अबंडेंट एंड स्टार शेप्ड सेल। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें ये जो सेल होती है, नाम क्या है इसका, फाइब्रो, मतलब फाइबर से क्रिएट करने, ये जो फाइबर्स बने हैं, ये जो तीन फाइबर्स पाए जाते हैं ना कनेक्टिव टिश्यू में, इनको कौन सी सेल बनेगी, भाई फाइब्रोब्लास्ट बनाएगी। ठीक है, अच्छा सेल है, फाइबर से क्रिएट करेगी, और फाइबर्स भी कैसे हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं, दैट मीन्स इस सेल के अंदर जो ऐसा जो वो सेल ऑर्गेनल जो है वो बहुत डेवलप पाया जाएगा, जो कि प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि भाई फाइबर से क्रिएट करने हैं, फाइबर बने किसके हुए, प्रोटीन के, तो जो प्रोटीन सिंथेसाइजिंग सेल ऑर्गेनिज्म सेल ऑर्गेनल है वो इस सेल में वो मोस्ट डेवलप होगा। और आपको पता है जो सेल के अंदर ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो प्रोटीन को सिंथेसिस करता है, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी अगर पूछ लिया जाए तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो क्या करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। यानी ये कोई बताने वाली बात है कि इस सेल के अंदर लाइक कौन सा सेल ऑर्गेनल है जो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया से ज़्यादा भी जो होगा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें भी रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज़्यादा डेवलप्ड होगा, क्योंकि भाई ये सिंपल सी बात है, प्रोटीन का सिंथेसिस करेगा, प्रोटीन दैट मीन्स उसको प्रोटीन के फाइबर्स बनवाने हैं। ठीक है, तो ये हो गई एक पॉइंट, और अगर बताएं, हाँ अब ये दैट मीन फाइबर से फिर दूसरा आया था ये ब्लास्ट, इसको ब्लास्ट मतलब इमेच्योर सर, बच्चा सर, इमेच्योर दैट मीन्स ये बात कर दिया गया, जो ये फाइब्रोब्लास्ट होती है ना, एक्चुअली इसमें जो सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन की पावर होती है, जिस तरह से हमारे जाइगोट या फिर एम्ब्रायो में होती है। ठीक है, जाइगोट की जो सेल होती है ना उसमें सेल डिफरेंशिएशन सेल डिवीजन की पावर होती है ना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, जो जब डिवाइड कर रहा होता है हमारा जाइगोट, तो वहाँ पे सेल जो डिवाइड हो जाती है, वहाँ की सेल एक्चुअली वो स्पेसिफिक नहीं है कि वो कौन सी सेल है, न्यूरॉन है कि कुफर सेल है कि आगे जाके नेफ्रॉन सेल है, किडनी का पार्ट है, वहाँ पे एक सब सारी सेल एक जैसी होती हैं, भविष्य में इन फ्यूचर पता नहीं कौन सी सेल अलग अलग स्ट्रक्चर बनाएगी, कोई सेल किसी में कन्वर्ट हो जाएगी गोल की, लेकिन वो आगे जाके होता है, लेकिन जाइगोट एंड एम्ब्रियो में स्टार्टिंग में क्या होता है, वो एक्चुअली डिफरेंशिएट नहीं होती। ठीक है, दैट मीन्स हाँ डिवीजन एंड दैट मीन्स वो एकदम उसमें स्पेसिफिक सेल नहीं होती, उसमें क्या होता है डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन। ओके, तो वही चीज़ें यहाँ पे भी पाई जाती हैं। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट सेल में, ठीक है, तो फाइब्रोब्लास्ट सेल क्या होती है, ये इनमेच्योर सेल होती है, इसमें डिवीजन की पावर होती है, दैट मीन्स ये भी क्या है, इसमें डिफरेंशिएशन नहीं पाया जाता, दैट मीन्स डिफरेंशिएशन की पावर मतलब इस स्पेसिफिक ये जो डिवाइड होगी कौन सी सेल किस में कन्वर्ट हो जाएगी, ये यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये सेम, इसको एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल भी इसीलिए हम लोग कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी क्या है, सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स अभी ये इमेच्योर सेल है, दैट मीन्स अभी ये सेल किस सेल में आगे कन्वर्ट हो जाएगी, ऐसी पावर यहाँ पे भी देखने को मिलती है, तो इसीलिए हम लोग इसको फाइब्रोब्लास्ट को, फाइब्रोब्लास्ट का मतलब होता है बच्चा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग इसको चूँकि इम्ब्रियो में भी यही पावर होती है भाई, डी सेल डिवीजन एंड डिफरेंशिएशन वाली, तो यहाँ पे भी यही चीज़ हमको देखने मिल रही है, इसीलिए हम लोग फाइब्रोब्लास्ट को एक और चीज़ बोलते हैं क्या, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल। ठीक है, इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा अब अगर बात बताएं हम लोग इसमें और क्या याद रखना है, लाइक फाइब्रोब्लास्ट हो गया, ठीक है, शेप हो गई, और क्या, और अगर बात करें हम लोग इसकी, तो देखो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये याद रखना है कि ये जो एक्चुअली में ये जो फाइब्रोब्लास्ट सेल है, ठीक है, ये क्या बनाएगी, फाइबर्स बनाएगी। ठीक है, और ये जो सेल्स है ना, इसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है ना, विटामिन सी
इज रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, दैट मीन्स क्यों, देखो अगर विटामिन सेल की कमी हो, विटामिन सी की कमी हो जाए हमारी बॉडी में, तो दैट मीन्स जो हमारे कनेक्टिव टिश्यू के अंदर फाइब्रोब्लास्ट सेल हैं, इन ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे ना। तो दैट मीन्स अगर विटामिन सी कंप्लीट, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें विटामिन सी सही लेवल पे है तब तो ये काम करेगी, दैट मीन्स फाइबर वाइबर अच्छे से बनाएंगी, अगर नहीं होगा तो फाइबर नहीं बना पाएंगे, सिंपल सी बात है। इसीलिए देखो हमारे जो माउथ में जो मसूड़े हैं, जो गम्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, जब विटामिन सी की कमी हो जाती है ना, तो इन गम्स से क्या होता है, जिन गम्स में क्या होता है, जो घाव वगैरह होते हैं वहाँ से कंटिन्यू क्या होता है, ब्लड निकलता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो फाइबर्स की फिलिंग नहीं हो पाती ना, क्योंकि विटामिन सी की कमी है, तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू में फाइब्रोब्लास्ट जो हैं वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे तो डैट मीन्स फाइबर नहीं बना पाएंगे, फाइबर नहीं बनाएंगे तो यहाँ की गम्स के स्पेस को भर नहीं पाएंगे, फिलिंग नहीं हो पाएगी उसकी, तो वहाँ से ब्लड कंटिन्यू क्या करता रहेगा, फ्लो करता रहेगा। इसीलिए एंड दिस डिजीज इज नोन एज व्हाट, इस बीमारी को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्कर्वी, स्कर्वी कहते हैं ना मसूड़ों की बीमारी जो विटामिन सी की डिफिशियंसी से होती है ना। ओके, तो ये हम लोगों ने देख लिया पूरा का पूरा फाइब्रोब्लास्ट सेल के बारे में। ठीक है, तो अभी और भी सेल हैं, ये तो कनेक्टिव टिश्यू में हम लोगों ने फाइबर देख लिए, तीन टाइप के फाइबर्स हैं। अच्छा एक चीज बताएं, ये जो सेल्स हैं ग्राउंड मैट्रिक्स, किसी भी जो टिश्यू में कोई भी केमिकल, कोई भी फाइबर, कोई भी ग्राउंड मैट्रिक्स जिस टाइप का होता है, वो एक्चुअली सेल ही सिक्रेट करती है, सेल ही बनाती है। तो दैट मीन्स ग्राउंड मैट्रिक्स फाइबर्स कौन, यहाँ की सेल्स जो प्रेजेंट होंगी वही बना रही, लेकिन हमेशा याद रखना फाइबर्स को ओनली ऑन ये सेल बनाती है फाइब्रोब्लास्ट। ठीक है, बाकी ग्राउंड मैट्रिक्स वगैरह तो अभी और भी सेल हैं, सारे सेल मिलकर ग्राउंड मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, तो ग्राउंड मैट्रिक्स क्या अलग से कोई नहीं बनता, यही सेल ही सिक्रीट करती हैं कुछ ऐसे केमिकल्स, मिलके ग्राउंड मैट्रिक्स बन जाता है। ग्राउंड मैट्रिक्स में होता क्या है, ये हाइलुरोनिक एसिड, दैट मींस ये ही होता है। ठीक है, तो अगर हम सेल्स देख रहे थे कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन से पाए जाते हैं, तो पहली सेल्स हम लोगों ने देख लिया, वैसे तो 7 टाइप की सेल्स पहले पढ़ाई जाती है, लेकिन अब नो 4 टाइप की ओनली सेल्स याद रखनी जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है। पहली हम लोगों ने देखी क्या, फाइब्रोब्लास्ट। सेकेंड हम लोग देखने जा रहे हैं क्या, सेकेंड हम लोग देखने जा रहे हैं सेकेंड हम लोग देखने जा रहे हैं मैक्रोफेज। ठीक है, फेज, मैक्रोफेज, मैक्रोफेज, सो दीज आर फैगोसाइटिक इन नेचर, बता रहे हैं दीज सेल्स आर फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक इन नेचर। ये क्या होता है भैया, फैगोसाइटिक का मतलब क्या होता है, फैगोसाइटिक का मतलब होता है भक्षण करना, बता रहे हैं, मतलब जैसे ये हमारा पैर है सपोज दैट, जैसे ये हमारी टांग है, ऐसे टांग बना नहीं पाई यार हमने, हाँ सपोज दैट ये हमारी टांग है। ठीक है, ये उंगली बना दो भाई। ठीक है, तो ये हमारी टांग है, थोड़ा विटामिन डी डिफिशियंसी वाली टांग बन गई है, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो सपोज दैट ये हमारा पैर है, और पैर में सपोज दैट ये हमारी ब्लड वेसल है। ठीक है, तो होगा क्या, सपोज दैट हमारे यहाँ पे चोट लग गई भाई पैर में, सपोज दैट डैमेज हुआ, स्किन स्किन हट गई भाई, खून यहाँ पे डैमेज हो गई, गिर गिर गए। ठीक है, तो हुआ क्या, हुआ यहाँ से कोई वायरस बैक्टीरिया आया हुआ, अंदर एंट्री कर गया हमारी बॉडी में। ठीक है, तो अब क्या होगा, हमारे ब्लड में यहाँ पे बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट हैं, लाइक बहुत सारी आरबीसी हैं, बहुत सारी आरबीसी हैं, कौन कौन सी सेल हैं, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है एंड प्लेटलेट्स है। तो उसमें डब्ल्यूबीसी की बात करें, डब्ल्यूबीसी में भी बहुत सारी टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट होती है ना, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, बेसोफिल, इसनोफिल, न्यूट्रोफिल, उसमें से जो मोनोसाइट होती है ये क्या करेगी, यहाँ से बाहर आ जाएगी भाई ब्लड वेसल से, यहाँ से बाहर आ जाएगी, लाइक ये बाहर आ जाएगी। ठीक है, ये बाहर आ गई मोनोसाइट, अब मोनोसाइट क्या करेगी, इसका भक्षण कर लेगी, दैट मीन्स इसका क्या करेगा, इंगल्फ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को खा लेगी। ठीक है, दैट मीन्स बैक्टीरिया को खा लेगी और इसका सफाया कर देगी, दैट मीन्स दीज
इसीलिए इसको हम लोग स्कैवेंजिंग सेल ऑफ बॉडी भी कहते हैं, ठीक है। सो मैं अच्छा वो सेल जो फैगोसाइटोसिस कर रही हैं, तो फैगोसाइटोसिस मतलब भक्षण कर रही हैं वायरस बैक्टीरिया जो माइक्रोब्स हैं, ठीक है, उनका क्या कर रही है, भक्षण कर रही है। सो दिस कॉल्ड इज मैक्रोफेज, मैक्रोफेज सेल इसको कहेंगे हम लोग, ठीक है। और ये कैसी नेचर की होती हैं, फैगोसाइटोसिस नेचर की होती हैं, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, स्कैवेंजिंग सेल। स्कैवेंजिंग सेल इसलिए बोला क्योंकि ये स्कैवेंजर कर रही हैं, मतलब हमारे जो जो दैट मीन्स ऐसे माइक्रोब जो हमारी बॉडी को हार्मफुल पहुंचा सकते हैं ना हार्म कंडीशन में, उनको उनका भक्षण कर रही, दैट मीन्स उनका सफाया कर रही हमारी बॉडी में, उनको खा करके सफाई कर रही है भाई उनका। तो इसीलिए दीज आर ऑल्सो नोन एज वॉट, स्कैवेंजिंग, स्कैवेंजिंग का मतलब होता है सफाया करना। तो इट इज ऑल्सो नोन एज वॉट, इट इज ऑल्सो, ये लिखना जरूरी है, ऑल्सो नोन एज स्कैवेंजिंग सेल, स्कैवेंजिंग सेल, ठीक है, इसको हम लोग स्कैवेंजिंग सेल भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जो स्कैवेंजिंग दैट मीन जो मैक्रोफेज सेल होती हैं हमारी बॉडी में अलग अलग टिश्यू में अलग अलग पाई जाती हैं। लाइक अगर हम लोग बात करें यहाँ की, दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें हमारे जैसे ब्लड में है, ब्लड में मैक्रोफेज सेल का नाम ले तो मोनोसाइट है, ठीक है। और अगर हम लोग ब्रेन में नाम लें तो ब्रेन में माइक्रोग्लियल सेल है, वो वहाँ पे मैक्रोफेज सेल का काम करती है, ठीक है। लंग्स की बात करें तो वहाँ पे डस्ट सेल पाई जाती हैं, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग हमारे लीवर में, तो लीवर में अगर कोई भी वायरस बैक्टीरिया आ गया वहाँ पे जो एक सेल्स होती है वो उसको खा जाती है, दैट मीन्स स्कैवेंजिंग करती है। वहाँ पे कौन सी सेल होती है, कुफर सेल, ठीक है। और अगर बात करें, ठीक है, ऐसे बहुत सारी सेल हैं, ठीक है, तो वो गई मैक्रोफेज सेल का मतलब समझ गए। तो अच्छा, तो हम लोग देख रहे थे कनेक्टिव टिश्यू की सेल, ठीक है, सेल पढ़ रहे थे। तो कनेक्टिव टिश्यू में कौन कौन सी सेल पाई जाती है, एक तो फाइब्रोब्लास्ट प्रेजेंट होती है, दूसरी मैक्रोफेज। अच्छा अभी दो और पढ़नी है, ठीक है, अब स्पेस तो है नहीं, कहाँ बनाए, ठीक है, तो ऐसा करते हैं इसको मिटा देते हैं, इसको साफ करते हैं, ठीक है। तो नाउ थर्ड ऑफ सेल अगर हम लोग देखें तो हमको देखने को मिलेगी कौन सी, अगर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू की थर्ड सेल देखें जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होती है वो है मास्ट सेल। मास्ट सेल, मास्ट सेल नहीं है, मास्ट सेल है, ओके, ठीक है, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है, एक्चुअली ये हमारी जो ब्लड वेसल है उन्हीं के ऊपर प्रेजेंट होती है, ये देखो ये जो ब्लड वेसल है इन्हीं के ऊपर ये पाई जाती है मास्ट सेल, ठीक है। ये करती क्या है, ये तीन केमिकल्स का सेक्रीशन करती हैं, उन केमिकल्स का नाम याद रखना है हमको, क्या, हिस्टामिन, रेड कलर से लिख लेते हैं, हिस्टामिन, हिस्टामिन, हिपैरिन एंड सेरोटोनिन, ठीक है। नाउ हिस्टामिन, हेपैरिन एंड सेरोटोनिन, देखो हिस्टामिन क्या करता है, अब इसके वर्क याद रखना, बहुत बहुत फंक्शन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हिस्टामिन क्या करता है, देखो सबसे पहले आप तो इसका याद रख लो, ठीक है, ये क्या करेगा, तीन केमिकल सेक्रेट करेगा, सीरोटोनिन, सीरोटोनिन एक्चुअली ये जो ये सेल है ये तीनों केमिकल सेक्रेट करेगी, इसमें से एक सीरोटोनिन किया, सीरोटोनिन ब्लड वेसल में जाएगा, और सीरोटोनिन का मतलब होता है एस मतलब होता है सिकोड़ना, ये क्या करेगी इस ब्लड वेसल को सिकोड़ेगी, दैट मीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी, दैट मीन कॉन्ट्रैक्ट करेगी ब्लड वेसल को, और ब्लड वेसल जैसी कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर क्या होगा, फ्लूड है, ब्लड भरा हुआ, उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट मीन्स ये क्या करती है ब्लड वेसल को सिकोड़ के कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड प्रेशर को हाई कर देती है, ठीक है। कॉमन सेंस की बात है भाई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो अंदर फ्लूड का प्रेशर बढ़ जाएगा, दैट मीन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। और अगर ये अगर हिपैरिन, हिपैरिन अभी रहने दो, हिस्टामिन की बात करें, नाउ हिस्टामिन क्या करता है, ये डायलेट करता है, दैट मीन ब्लड प्रेशर को, ये जब जाएगा ब्लड प्रेशर के अंदर, ब्लड वेसल के अंदर, तो ये डायलेट कर देगा ब्लड वेसल को, तो खत्म सेरोटोनिन हिस्टामिन। अब हिपैरिन का काम समझो, हिपैरिन जब ब्लड वेसल में जाएगा ये क्या करेगा, ये एक्चुअली एंटीकोगुलेंट केमिकल है, एंटीकोगुलेंट, ये एंटीकोगुलेंट, एंटीकोगुलेंट
कॉगुलेंट क्लॉटिंग का मतलब क्या होता है, ब्लड क्लॉट करना, मतलब ब्लड का थक्का नहीं बनने देगा ब्लड वेसल में। सोचो अगर थक्का बन जाए कितनी दिक्कत होगी, ब्लड फ्लो ही नहीं हो पाएगा। तो ये क्या करता है, हमारे ब्लड वेसल में ब्लड का क्लॉट नहीं होने देता, रिपेयरिंग एंटी कॉगुलेंट है ना इसीलिए। तो दैट मीन समझ गया ना, मास्ट सेल तीन टाइप के केमिकल्स सीक्रेट करती है, इंपॉर्टेंट भाई पूछे जाते हैं ठीक है। और अगर तो दैट मीन बस यही मास्ट सेल के बारे में याद रखना। और एक चौथी टाइप की सेल और प्रेजेंट होती है हमारे कनेक्टिव टिश्यू में, कौन, एडिपोसाइट। नाम से ही है एडिपो, मतलब एडिपोस टिश्यू ऐसे लगता है अभी बताएंगे एडिपोस टिश्यू नाम क्यों कैसे निकल गया नाम। नाउ एडिपोसाइट, एडिपोसाइट ऐसी सेल होती है एक्चुअली, ये एडिपो मतलब फैट, फैट स्टोरिंग सेल होती है। अब फैट स्टोरिंग सेल अभी इसको आगे डिटेल में देखेंगे। एक्चुअली फैट स्टोरिंग सेल जो हमारी बॉडी में मतलब हमारे कनेक्टिव टिश्यू में जो प्रेजेंट होती हैं वो एक्चुअली दो टाइप की फैट सेल होती हैं हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट होती हैं कनेक्टिव टिश्यू में। एक तो होती है यूनिलॉकुलर, ये न्यूक्लियस बना दिया यूनिलॉकुलर है ठीक है। एक जो होती है सपोर्टेड, ये न्यूक्लियस है, मल्टीलॉकुलर है ठीक है। तो यहाँ भी फैट है, यहाँ भी फैट है, यहाँ भी फैट, ये तो न्यूक्लियस है, यहाँ पे फैट स्टोर है। तो दो टाइप की एडिपोसाइट पाई जाती है हमारी बॉडी में, यूनिलॉकुलर टाइप, एक मल्टीलॉकुलर। यूनिलॉकुलर का मतलब है एक लोकस प्रेजेंट होगा, कोई एक स्थान प्रेजेंट होगा, वहाँ पे फैट स्टोर होगा। ये कैसी सेल है, फैट स्टोरिंग सेल है। तो अगर यूनिलॉकुलर हुआ तो एक जगह फैट स्टोर होगा, मल्टीलॉकुलर सेल हुई एडिपोसाइट तो वहाँ पे मल्टीपल फॉर्म में फैट स्टोर होगा, मल्टीपल लॉकुलर में ठीक है। तो बस एडिपोसाइट का मतलब यही है याद रखना। तो हमको कनेक्टिव टिश्यू में क्या पढ़ना था, यहाँ पे तीन चीज़ों से हमारा कनेक्टिव टिश्यू में तीन चीज़ें तीन 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 चीज़ों का रिक्वायरमेंट होता है। क्या, फाइबर्स होनी चाहिए, ग्राउंड मैट्रिक्स होना चाहिए एंड देन सेल होनी चाहिए। और फाइबर्स देखें तो हम लोग सबसे पहले वाइट कोलेजन फाइबर, देन इलास्टिक फाइबर, देन रेटिकुलम फाइबर ठीक है, कंप्लीट ओके। ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करें तो देख लिया, वो हाइलुरोनिक एसिड एंड प्रोटीग्लाइकन का मिक्सचर होता है ठीक है। और अगर बात करें सेल, सेल चार टाइप की प्रेजेंट होती है कनेक्टिव टिश्यू में। दैट मींस यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने फाइब्रोब्लास्ट देखी ठीक है भाई, एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सेल डिवीजन डिफरेंशिएशन की पावर होती है ठीक है। और अगर बात देखें हम लोग, ये आगे जाके डिफरेंशिएट करेंगे ठीक है, आगे जाके, अभी नहीं आगे जाके डिफरेंशिएशन पाया, इसीलिए इसको जैसे एम्ब्रियो होता है इसीलिए इसको एम्ब्रियोनिक रिजर्व सेल भी कहते हैं। विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है फंक्शन के लिए, इसकी कमी होगी तो दैट इसका भी हो जाएगा, दैट मीन्स फाइबर्स नहीं फॉर्म होंगे ठीक है। और माइक्रोफेज सेल लाइक दूसरी सेल कौन सी पाई जाती है, मैक्रोफेज। मैक्रोफेज सेल जो कि होती है वो स्कैवेंजिंग नेचर की होती है, स्कैवेंजिंग ऑफ सेल, स्कैवेंजिंग सेल भी कहते हैं मैक्रोफेज की। क्या करती है, इंगल्फमेंट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया, मच्छर करती है ठीक है, खाती है। इंगल्फमेंट ऑफ वायरस एंड बैक्टीरिया का जो नेचर है उसको ही हम लोग क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस ठीक है। और फिर तीसरी सेल कौन सी प्रेजेंट होती है भाई कनेक्टिव टिश्यू में, मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या करती है, तीन केमिकल का सेक्रीशन करती है, हिस्टामिन, हेपेरिन एंड सेरोटोनिन। एंड चौथी सेल जो पाई जाती है वो क्या है, एडिपोसाइट। एडिपोसाइट क्या होती है, फैट स्टोरिंग सेल होती है। चलो अच्छा लिखते हैं यार भाई, यार ये फैट स्टोरिंग सेल है, फैट स्टोरिंग सेल होती है ठीक है। फैट, अब दो टाइप की सेल होती हैं ये, एक तो सिंगल लॉकुलर, मल्टी लॉकुलर। हम लोगों में जो देखो मल्टी लॉकुलर जो होती है चाइल्ड में पाई जाती है, बच्चों में ठीक है, ये सिंगल। हम लोगों में ये एडल्ट ह्यूमन में पाई जाती है, हम लोगों में ये नहीं पाई जाती है, ये वाली एडिपोसाइट नहीं पाई जाती, ये वाली एडिपोसाइट पाई जाती है ठीक है। तो ये हो गई, अब हम लोगों ने देख लिया एक्चुअली में कंटेंट देख लिया ठीक है, कि क्या क्या प्रेजेंट होता है कनेक्टिव टिश्यू। अब हम लोग ये सीखेंगे कनेक्टिव टिश्यू एक्चुअली बनाते कैसे हैं कनेक्टिव टिश्यू को। तो अब देखते हैं हम लोग, इन्हीं का कोई फाइबर्स कम डाला, कम ज़्यादा डालेंगे, कोई सेल्स कम ज़्यादा किसी, मतलब प्रेजेंट चारों टाइप की कनेक्टिव टिश्यू है तो सब टाइप की सेल्स प्रेजेंट ही होंगी भाई कनेक्टिव, लेकिन कोई सेल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी। तो इसी दैट मीन्स इन्हीं का कॉम्बिनेशन, अलग अलग कॉम्बिनेशन से डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कनेक्टिव टिश्यू बनेंगे। तो अब हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं ठीक है, और देखते हैं हम लोग कनेक्टिव टिश्यू के टाइप। नाउ टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, तो अगर सबसे पहला अगर हम लोग देखें तो कनेक्टिव टिश्यू का टाइप होता है, एक्चुअली तीन टाइप होते हैं कनेक्टिव टिश्यू के। एक तो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एंड सेकेंड होता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू, एंड थर्ड होता है वॉट, थर्ड होता है स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू ठीक है। तो नाम से ही क्लियर है, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू है तो सिंपल सी बात है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है, लूज है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, अगर लूज कनेक्टिव टिश्यू है, अगर हम लोग बात करें लाइक
कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो तीन टाइप के हमको पढ़ने हैं भाई, एक लूज पढ़ना है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, मान के चलो लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, अगर लूज बनाना है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या होगा, पहले तो सेल्स डाल दो जो कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होगी, लाइक फाइब्रोब्लास्ट सपोज दैट यहाँ पे बना दे, ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट बना दी, मास सेल बना दी, ठीक है, और क्या बना दी, लाइक मैक्रोफेज बना दी, ये मैक्रोफेज बना दी, मास सेल बना दी, ठीक है, और ग्राउंड मैट्रिक्स भर दो, ठीक है, ग्राउंड मैट्रिक्स भर दो एकदम लबालब लबालब, खूब सारा ग्राउंड मैट्रिक्स एकदम पानी की तरह भर दो, यहाँ पे पानी भर दो, सपोज दैट पानी दैट मीन्स ग्राउंड मैट्रिक्स भर दो, ठीक है, खूब सारा। अब यहाँ पे दो तीन फाइबर लटका दो यहाँ पे, क्योंकि तीन चीज़ें पाई जाएंगी ना कनेक्टिव टिश्यू बनाने के, वाई सेल्स पाई जाएगी, ग्राउंड मैट्रिक्स एंड फाइबर, दो तीन फाइबर निकाल दो, ये फाइबर प्रेजेंट हो गए, ठीक है, क्योंकि फाइबर बहुत कम अमाउंट में है, ठीक है, तो ये एकदम लूज बना है, ठीक है, अगर फाइबर बहुत ज़्यादा कर देते तो डेंस हो जाता, तो बस वही डेंस कनेक्टिव टिश्यू हो जाता, सिंपल सी बात है, मतलब लूजनेस खत्म हो जाती। अब ये लूज है, एकदम लिक्विड फॉर्म में है ना, जैसे सपोज दैट हम लोगों को जैसे लाइक अगर सपोज दैट अगर खीर वगैरह बनानी है तो खीर में एकदम ये समझ लो, उसमें चावल दूध ये सब एकदम, सपोज दैट दूध तो एकदम एक ही ग्लास लो, ठीक है, और चावल भी थोड़े ही लो, हल्का सा चावल ले लो, ठीक है, और अगर बात करें उसमें पानी, पानी सपोज लो दो जग पानी मिला दो, मतलब एक गिलास पानी में दो जग पानी, मतलब एकदम कैसी खीर बनेगी भाई, ऐसी खीर बन जाएगी उसको हमें लगता है पीना पड़ेगा खीर को, दैट मीन्स वही समझ लो एकदम लूज खीर बनेगी ना, तो दैट मीन्स ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यू, यहाँ पर फाइबर्स प्रेजेंट ही नहीं है भाई, तो दैट मीन्स जो बनेगा सिर्फ और सिर्फ लूज कनेक्टिव टिश्यू बनेगा, ठीक है। अब बात आती है लूज कनेक्टिव टिश्यू ऐसा होगा, अब लूज कनेक्टिव टिश्यू के भी दो टाइप हैं, हम लोगों की बॉडी में लूज कनेक्टिव टिश्यू दो फॉर्म में पाए जाते हैं भाई, दो टाइप्स के पाए जाते हैं लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक तो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू, एक तो होता है एरियोलर, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू एंड एक होता है एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब एरियोलर एडिपोज में क्या डिफरेंस है ये भी देखेंगे हम लोग भाई, नो एरियोलर जो होता है लूज कनेक्टिव टिश्यू है, पाया कहाँ जाता है, बीनीथ द स्किन, स्किन के नीचे पाया जाता है, एग्जाम्पल अगर देखें हम लोग तो इसका क्या है, बीनीथ द स्किन, बीनीथ या बिलो द स्किन बात एक ही है, स्किन के नीचे, ठीक है। एक्चुअली होता क्या है, ये मान के चलो हमारा बॉडी स्किन है, सपोज दैट ये हमारा स्टमक है, ठीक है, तो दैट मीन्स ये हमारे स्टमक है, ठीक है, अगर हमने क्रॉस सेक्शन किया बॉडी का, ये ऐसे लॉन्ग बॉडी थी हमारी, हमने बीच से काटा, तो दैट मीन्स ये स्टमक है, ठीक है। अब इसके बाहर क्या होगी, मसल की लाइनिंग होगी भाई, ये मसल की लाइनिंग है स्टमक के चारों तरफ, ये मसल की लाइनिंग है स्टमक के चारों तरफ, ठीक है। अब इसके चारों तरफ क्या होगी, इसके बाहर क्या होगी, स्किन होगी ना, स्किन प्रेजेंट होगी भाई, सपोज दैट ये स्किन की लेयर आई, हमारे स्किन की लेयर आई, ठीक है, ऐसे स्किन की लेयर आई, तो स्किन और मसल के बीच में यही टिश्यू भरा होता है, ये जो लूज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर होती है यहाँ पे, ठीक है, स्किन और मसल के बीच में कौन सी होती है, लूज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो दैट मीन्स ये बीनीथ द स्किन पाया जाता है। अब बीनीथ, अब अगर इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू लेयर, इसके जो स्किन और मसल के बीच में जो लेयर है, अगर यही यहाँ पे जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, इसी में अगर हम लोग, यही लूज कनेक्टिव टिश्यू है ध्यान रखना, अब इसी कनेक्टिव टिश्यू में अगर हम लोग एडिपोसाइट, हम लोग एडिपोसाइट की संख्या बढ़ा दें, लाइक ये सपोज दैट एडिपोसाइट सेल है, एडिपोसाइट की संख्या बढ़ा दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स लूज कनेक्टिव टिश्यू पाया कहाँ जाता है, बीनीथ द स्किन में, ठीक है, उसमें भी ये दो टाइप का होता है, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोज जो फैट लोग हैं, फैटी लोग हैं, मोटे लोग हैं, उसमें क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, हाँ यहाँ पे क्या होता है, दैट मीन्स
इसमें क्या होता है, एडिपोसाइट की संख्या बढ़ा दो, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो बन जाएगा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, लूज रहेगा लेकिन एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बन जाएगा। दैट मीन्स अब एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू दैट मीन्स ये भी क्या है, बीनीथ द स्किन, बीनीथ द स्किन दैट मीन्स स्किन के नीचे ये भी प्रेजेंट होता है। अब बात आती है कि एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में हमने दो चीजें बताई थी, क्या एडिपोज का मतलब ये कैसी होगी भाई, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट की संख्या बढ़ाओगे, एडिपोसाइट की संख्या बढ़ाओगे दैट मीन्स वो कैसी एडिपोसाइट, दैट मीन्स जो सेल होती है वो कैसी सेल होती है, फैट स्टोरिंग सेल होती है, ठीक है। अब एक्चुअली जो हमारी बॉडी में जो फैट पाया जाता है ना, वो दो टाइप का फैट होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो एडिपोसाइट है वो दो टाइप की होती है, एक तो होती है यूनिलॉकुलर, एक मल्टीलॉकुलर, ठीक है। एडिपोसाइट जो होती है वो एक्चुअली कैसी होती है, फैट स्टोरिंग सेल होती है भाई। दैट मीन्स ये जो कनेक्टिव टिश्यू की लेयर है ये क्या करेगी, फैट स्टोर करने का काम करेगी, ठीक है। फैट स्टोर्ड लेयर होती है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें फैट, फैट के टाइप ऑफ फैट की, तो दो टाइप का फैट होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। अब जैसे शुगर नहीं होती है भाई, एक वाइट शुगर होती है, एक ब्राउन शुगर होती है। तो वाइट शुगर जो होती है वो बहुत ज़्यादा उतनी एनर्जी नहीं दे पाती जितनी ब्राउन शुगर देती है, ठीक है। इसी तरह से फैट भी दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है वाइट फैट, वाइट या येलो, येलो फैट भी इसको बोलते हैं, ठीक है। एक होता है ब्राउन फैट, ठीक है। तो जो वाइट फैट होता है, जितना हमको 1 ग्राम प्रोटीन या 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, ठीक है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, सिंपल सी बात है। इसीलिए घर में क्या कहते हैं कि भाई घी खाओ, घी खाओ, घी क्या करता है, बहुत सारी एनर्जी देता है घी, बताते हैं जी, क्योंकि घी है क्या, फैट है, ठीक है। बस ये है, वो गुड कोलेस्ट्रॉल वाला फैट है, बस इतनी सी बात है, बाकी एनर्जी बहुत देता है फैट। अगर हम लोग बात करें तो जितना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन जितना एनर्जी देती है हमारी बॉडी में, उतना 1 ग्राम फैट की बात करें, तो अगर वाइट फैट की बात करें तो ये 9 किलो कैलोरी पर ग्राम ये एनर्जी उतनी प्रोवाइड करती है जितना 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उतना क्या करता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा, ये 1 ग्राम में 9 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। वहीं अगर हम लोग ब्राउन फैट की बात करें तो 18 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम, 1 ग्राम में 18 किलो कैलोरी एनर्जी प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स फैट जो होता है, पहली बात तो इसीलिए फैट बहुत एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है, 1 ग्राम फैट। तो अब बात आती है कि ठीक है भाई, फैट बनाया, ठीक है भाई, अब बात आई ये जो वाइट फैट स्टोरिंग वो होती है, सेल होती है, वो एक्चुअली यूनिलॉकुलर एडिपोसाइट होती है भाई। एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नाम ही है, क्योंकि यहाँ पे एडिपोसाइट ज़्यादा होंगी, इसीलिए तो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू नाम है। तो दैट मीन्स अब डिपेंड करता है यहाँ पे कि एडिपोसाइट बनानी पड़ेगी। अब अगर भाई एडिपोसाइट कौन सी वाली भाई, यूनिलॉकुलर एडिपोसाइट या मल्टी, तो भाई ये जो वाइट सेल वाइट फैट होती है ना, एक्चुअली इसको स्टोर जो एडिपोसाइट करती है वो यूनिलॉकुलर एडिपोसाइट होती है। मतलब बताते हैं हम लोग, ये जो एडिपोसाइट है ये तो न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पे यूनिलॉकुलर है, ठीक है, ये फैट स्टोर कर रही है, एक लोकस प्रेजेंट होगा, दैट मीन्स एक जगह पे फैट स्टोर होगा, ठीक है। जो एडल्ट होते हैं ना, उनमें ये वाली एडिपोसाइट पाई जाती है, हम लोगों में ये वाली एडिपोसाइट प्रेजेंट है बॉडी में, ठीक है, ये वाली फैट स्टोर सेल प्रेजेंट है, ठीक है। वहीं अगर हम लोग बात करें जो बच्चे होते हैं, उनमें मल्टी लॉकुलर वाली एडिपोसाइट पाई जाती है, लाइक ये न्यूक्लियस मान लो, ये बहुत सारे मल्टी लॉकुलर है, यहाँ पे फैट, यहाँ पे फैट, यहाँ पे फैट, यहाँ पे फैट, ठीक है। और चूंकि ये ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, इसीलिए देखो बच्चे और बूढ़े, दैट मीन्स जमीन आसमान का डिफरेंस होता है ना एनर्जी लेवल में। बच्चों के ठंडी में देखो कपड़े वपड़े उतार दो तो बच्चों को ऐसे लगता है ठंडी लगती ही नहीं यार भाई, लेकिन अगर वहीं बुजुर्ग आदमी है कहीं गाँव में, तो दैट मीन्स वो उसको कितनी ठंडी, बेचारे मतलब कि स्वेटर भी पहने हैं, जूता मोजा भी पहने हैं, आराम से पैंट भी पहने हैं, कुछ भी, दैट मीन्स जैकेट भी पहने हैं, टोपा भी लगाए हैं बाबा जी, फिर भी आगे कहते हैं कि बच्चा देखो जाके कहीं आग वगैरह तो नहीं जल रही, क्योंकि उनको बहुत तगड़ी ठंडी लगती है। तो दैट मीन्स क्योंकि एडल्ट में कौन सा फैट स्टोरिंग सेल पाई जाती है, एडिपोसाइट, दैट मीन्स ये, और जो बच्चे होते हैं उनमें ये वाली एडिपोसाइट पाई जाती है। बहुत एनर्जी होती है यार,
मतलब ठंडी लगती है समझो, ये वाली एनर्जी जो मोस्ट ऑफ एनर्जी देती है प्रोवाइड करती है, ये मल्टी लोकुलर एनर्जी प्रोवाइड करने वाली एनर्जी पाई जाती है, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो गई, ठीक है। अच्छा अगर हम बात करें फैट स्टोरिंग सेल, तो फैट, अच्छा फैट पे क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक फैट करता क्या है, फैट का फंक्शन क्या, फंक्शन ऑफ फैट की अगर हम लोग बात कर रहे हो, थोड़े फंक्शन ऑफ फैट, तो फैट एक्चुअली क्या करता है, फैट एक्चुअली होता क्या है, जब हम लोग एक्सेस फूड खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा फूड एक्स्ट्रा खा लेते हैं, और उसके मुकाबले हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज कर नहीं पाते हैं, लाइट में उसको बर्न नहीं कर पाते हैं उतनी कैलोरीज को, तो वो जो एक्सेस फूड है ना वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है। तो दैट मीन्स फैट क्या करता है एक हिसाब से, फिर जब हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगी तो यही फैट जो होगा वो टूट टूट के एनर्जी प्रोवाइड करेगा जिससे हम काम वगैरह करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स ये फैट क्या करता है हमारी बॉडी में, ये रिजर्व फूड का काम करता है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड, ठीक है, स्टोरेज ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है, ठीक है। ये फूड मटेरियल ये स्टोर हमारी बॉडी में स्टोरेज फूड मटेरियल की तरह काम करता है ना। और क्या करता है भाई फैट, ये एक्चुअली बात करें इट एक्ट एज अ हीट इंसुलेटिंग लेयर, हीट इंसुलेटिंग लेयर कहने का मतलब क्या है भाई, देखो जो जो आदमी जो मोटा आदमी होता है, जो फैटी आदमी होता है ना भाई, जो मोटापा होता है, दैट मीन्स उसमें क्या होता है, फैट की लेयर बनी हुई है भाई, तो वो एकदम जो लेयर होती है फैट की वो एकदम हीट इंसुलेटिंग का काम करती है। हीट मतलब देखो ऐसे इंसान को जो थोड़ा मोटे हैं उनको क्या होता है, ठंडी में ज़्यादा ठंडी नहीं लगती है, ठीक, और गर्मी में गर्मी बहुत लगती है, पूछो कैसे भाई, ठंडी में क्या होगा, ठंडी किस लिए नहीं लगेगी ज़्यादा, क्योंकि एक्चुअली जो बॉडी की बॉडी का अंदर का जो टेम्परेचर है वो बाहर नहीं हो पाता, ठीक है, बाहर नहीं आ पाता क्योंकि बीच में है फैट की लेयर, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं एकदम कनेक्शन हो पाता आउटर एनवायरनमेंट के साथ, ठीक है, क्योंकि अंदर है लेयर फैट की, इसीलिए अंदर का टेम्परेचर कैसा होता है, बॉडी का हाई होता है, तो ठंड में तो उसको ठंडी नहीं लगेगी, कम लगेगी फैटी आदमी को, क्योंकि यहाँ फैट की लेयर है, और गर्मी में गर्मी इस वजह से पर क्योंकि आउटर इन्वायरमेंट बहुत हीट है और अंदर भी क्या होगा, हीटिंग बहुत गड़बड़ी है, तो अंदर का टेम्परेचर बाहर नहीं जा पाता, इसलिए उसको अंदर गर्मी भी बहुत लगती, तो दैट मीन्स अगर बात करें तो हीट में, तो दैट मीन्स ये क्या करती है, हीट इंसुलेटिंग लेयर है, हीट इंसुलेशन करती है, दैट मीन्स हीट का ट्रांसफ़र जो होता है वो रोक देती है, हीट इंसुलेटिंग लेयर होती है कौन सी, फैट की, ठीक है। और अगर थर्ड फंक्शन की अगर बात करें हम लोग, ये एक और पॉइंट अगर हम लोग देखें, इट एक्ट, हाँ ये बात तो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जो मोटे आदमी होते हैं दैट मीन्स जो फैटी जो थोड़ा हेल्दी होते हैं, हेल्दी ह्यूमन होते हैं, मोटा नहीं कहेंगे हेल्दी कहेंगे, ठीक है, तो थोड़ा जो हेल्दी ह्यूमन होते हैं दैट मीन्स मोटे ही समझ लेना यार, जो मोटे लोग होते हैं उसमें क्या होती है, ये जो हीट ये जो फैट की लेयर होती है, तो दैट मीन्स ये क्या करती है, शॉक एब्जॉर्बिंग का काम करती है, इट एक्ट एज अ शॉक एब्जॉर्बर मतलब अगर मारो कूटो, ठीक है, थोड़ा चोट वोट है, ठीक है, उससे क्या होगा, जैसे गिर भी जाए इंसान तो इससे क्या होगा, जो जर्क है गिरने उड़ने का, वो ये जो फैट की लेयर है वो एब्जॉर्ब कर लेगी, जिसके जो इंटरनल ऑर्गन है वो डैमेज नहीं होंगे, तो दैट मीन्स फैट की लेयर हमारे में क्या काम कर रही है, शॉक को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, जर्क एब्जॉर्बर का काम करती है। और अगर बात करें लाइक ठीक है, और कुछ है इम्पोर्टेंट, ठीक है, और अगर बात करें फैट की लेयर एडिपोज कनेक्टेड टिश्यू, हाँ, और अगर बात करें हम लोग ये जो हमारी किडनी वगैरह होती है, हाँ ठीक है, किडनी हुई, ठीक है, हमारे जो किडनी क्या है, रेटोपेरिटोनियल, तो यहाँ पेरिटोनियम की कमी नहीं होती है, किडनी के बाहर एक्चुअली यहाँ पे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की कमी होती है, तभी तो देखो पीठ में मास्टर जी घूसा वूसा मारते हैं, कभी असर नहीं पड़ता है ज़्यादा, चोट वगैरह नहीं लगती है यहाँ पे ना, स्कूल में जब याद करो हमारे चार जी लोग पीछे मारते थे कि नहीं, है ना, पीठ पीठ पे मार देते थे कहीं पे,
तो दैट मीन्स किडनी नहीं डैमेज होती थी क्योंकि किडनी के आउटर रीजन पे इसी एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू की लेयर पड़ी होती थी, ठीक है। और अगर पाया जाए, अगर बताएं हम लोग आईज की, तो हमारी जो आईज है, हमारी जो आँख है, ठीक है, जो हमारी आई वॉल है उसके चारों तरफ भी बाहर से तो नहीं दिख रही, अंदर अंदर में क्या होगा, आउटर साइड पे फैट की लेयर प्रेजेंट होती है। कौन से फैट की? एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन्स इसकी लेयर प्रेजेंट होगी यहाँ पे भी किडनी के आउटर सरफेस पे। तो ये तो हम लोगों ने देख लिया भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में भी हम लोगों ने दो देख लिए, एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, ये बीनीथ द स्किन पाया जाता है, स्किन के नीचे, उसी स्किन के नीचे अगर एडिपोसाइट प्रेजेंट हो जाए तो उसको एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू कहने लगते हैं, ठीक है। एडिपोज मतलब फैट स्टोरिंग सेल, फैट के फंक्शन हम लोगों ने देख लिए भाई क्या क्या होते हैं, रिजर्व फूड मटेरियल का काम करती है, ठीक है, हीट इंसुलेशन का काम करती है, एंड देन ये काम करती है सॉल्ट वाटर का, कहाँ किडनी के ऊपर पाई जाती है, ठीक है वो। और फैट दो टाइप के होते हैं, वाइट फैट एंड ब्राउन फैट। वाइट फैट जो होते हैं वो एक्चुअली उनके उनके लिए कैसी एडिपोसाइट होती है, यूनिलोकुलर यानी, और जो ब्राउन फैट होती है उनके लिए मल्टीलोकुलर। ये वाली एडिपोसाइट प्रेजेंट होती है चाइल्ड में, ये वाली हम लोगों में, दैट इज एडल्ट में, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने लूज कनेक्टिव टिश्यू पूरा का पूरा देख लिया, ठीक है। और अब हम लोग देखेंगे डेंस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, बस 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 डेंस कनेक्टिव टिश्यू, देन फिर स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, उसके बाद कंप्लीट, ओके। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू, और देखते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू भाई क्या होता है। ओके, नाउ अगर डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें हम लोग, सिंपल सी बात है, ये हम लोगों ने लिया कोई बर्तन, लिया बाल्टी ली, ठीक है, और यहाँ पे हम लोगों ने भर भर के डाला ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है। पहले तो सेल्स बना दें, सपोज दैट ये माइक्रोब्लास्ट वगैरह माइक्रोफेज बना दी, ठीक है, एक दो हम लोगों ने एडिपोसाइट निकाल दिए एक दो वैसे ही, ठीक है। और भाई कनेक्टिव टिश्यू है तो वो सेल्फ तो प्रेजेंट होगी, मास्ट सेल निकाल दी, ठीक है, और फाइब्रोब्लास्ट बना दी, ठीक है, और मैक्रोफेज निकाल दो एक दो, ठीक है। अब क्या होगा, चूँकि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, तो सेल्स बना दी, अब ग्राउंड मैट्रिक्स बना दो, ठीक है, ग्राउंड मैट्रिक्स बना दे रहे भाई, ये ग्राउंड मैट्रिक्स बना दिया भाई, ये ग्राउंड मैट्रिक्स बना दिया। अब इस कनेक्टिव टिश्यू में होता क्या है भाई, डेंस वाले में, क्योंकि डेंस है मतलब डेंस है एकदम, डेंसिटी डेंसिफाइड है, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, फाइबर्स जो होते हैं एकदम भर भर के फाइबर भरे होते हैं यहाँ पे, तभी तो डेंस बनेगा, वरना लूज नहीं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे फाइबर जो होते हैं बहुत भरे होते हैं फाइबर, ठीक है, फाइबर ही फाइबर भरे होते हैं, तभी तो आप देखो ये डेंस लग रहा है कि नहीं भाई, डेंस लग रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअली दो टाइप के होते हैं हमारी बॉडी में, एक तो डिपेंड करता है, अगर हमने क्या बताया था फाइबर, ठीक है, अगर फाइबर जो है वाइट फाइबर भरे हैं तो इस कनेक्टिव का नाम होगा, चलो शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम लोग, वाइट कोलेजन डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अगर कोलेजन फाइबर भर रहे होंगे तो कोलेजन फाइबर वाइट कलर्ड होते हैं ना, तो इसीलिए इस डेंस कनेक्टिव टिश्यू को हम लोग बोलेंगे वाइट कोलेजन डेंस फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। और अगर बोले हम लोग अगर इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो येलो कलर्ड होते हैं, ठीक है, अगर वो वाले फाइबर यहाँ पे प्रेजेंट हुए तो हम लोग उसको बोलेंगे येलो इलास्टिक डेंस कनेक्टिव डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, तो दैट मीन्स उसको हम लोग ये बोलेंगे, ठीक है। अब भाई बात आती है कि हमारी बॉडी में ये वाले फाइबर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये वाले फाइबर, दैट मीन्स हमारे वाइट कोलेजन डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू एंड येलो इलास्टिक डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू कहाँ बनाए जाते हैं भाई हमारी बॉडी में, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें कि देखो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू, इलास्टिक डेंस कनेक्टिव टिश्यू मतलब इलास्टिसिटी, मतलब ये हमारी बॉडी में ये वाला कनेक्टिव टिश्यू भगवान ने वहाँ बनाया होगा जहाँ पे इलास्टिक, दैट मीन्स जहाँ पे खिंचाव सहन करने की पावर होगी, ठीक है। तो दैट मीन्स ये बनाए गए हैं इलास्टिक वाले पहले बने, बाकी वो तो बताए गए, वो मोस्ट 99% ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू यही होता है हमारी बॉडी में, कौन सा, वाइट कोलेजनस डेंस कनेक्टिव टिश्यू। कुछ जगह क्या करा भगवान ने, ये वाले येलो इलास्टिक फाइबर वाले कनेक्टिविटी डेंस कनेक्टिव टिश्यू बना दिए जहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत हुई है किसकी, इलास्टिक की। जैसे लाइक अगर हम लोग बात करें
ओके और दिखाते हैं यहाँ पे एक मिनट इधर बनाते हैं। ओके, अगर हम लोग बात करें ये मान के चलो हमारी बोन है, ठीक है, ठीक है, मान के चलो नो ये क्या है हमारी बोन है, ठीक है। तो सपोज दैट यहाँ पे दो बोन है, ठीक है, ये एक बोन है इसका हेड इसमें फिट होगा, दैट मीन्स बॉल एंड सॉकेट जो वो तो अपनी बात है, ठीक है, जब पढ़ेंगे तब भी बता देंगे। तो ये हमारी दो बोन है, ठीक है, ये बोन सबसे पहले क्या होता है कि ये बोन इससे अटैच होगी, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे एक कार्टिलेज की कवरिंग पाई जाएगी दोनों बोन के बाहर, ठीक है भाई, इस बोन में भी पाई जाएगी कार्टिलेज की कवरिंग, सबसे पहले हाइलाइन कार्टिलेज की कवरिंग पाई जाती है, ठीक है, हाइलस एकदम ट्रांसपेरेंट। फिर यहाँ पे भगवान क्या करते हैं, एक यहाँ पे क्या करते हैं, एक एकदम बैग लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाते हैं, फ्लूड का एक ब्लैक लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दोनों के बीच में रख देते हैं, ठीक है, दोनों बोन्स के बीच में, इसको हम लोग कहते हैं साइनोवियल फ्लूड से भरा बैग, ठीक है, साइनोवियल फ्लूड। नाउ साइनोवियल फ्लूड है, देन अब ये दो बोन्स हैं आपस में कनेक्ट कैसे होंगे, यहाँ पे दोनों में क्या है स्टार्टिंग में हाइलिस हाइलाइन कॉर्डिलेस की कवरिंग है, देन उनके बीच में क्या है साइनोवियल फ्लूड भरा है, अब इन दोनों का अटैचमेंट ऐसे होता है, हम बता रहे हैं यहाँ पे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से दोनों का अटैचमेंट होता है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है वो इन दोनों को आपस में किनारे से अटैच करवाता है, ठीक है। इस थ्रेड लाइक बने हुए स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं लिगामेंट, दैट मीन्स हमारी देख रहे हो हमारी बोन कैसे ज्वाइंट हो रही है हमारे बॉडी में, ठीक है, तो ये लिगामेंट होती है। अब ठीक है, अब अगर बात करें ऐसे लिगामेंट है ऊपर अगर बनाए तो हम लोग मसल बना दें भाई, मसल भी तो बोन से अटैच होगी तो हम मसल बना देते हैं, तो मसल की जो मान के चलो ये बहुत सारी मसल है, ठीक है, ये मसल है, मसल की आउटर कवरिंग क्या होती है, मसल की आउटर कवरिंग का नाम होता है ये जो मसल की आउटर कवरिंग एपिमाइसियम, यही एपिमाइसियम आगे जाके बोन से अटैच होती है, और जब ये बोन से अटैच हो जाती है ना तो इसको हम लोग कहने लगते हैं क्या टेंडन, इसको हम लोग कहने लगते हैं क्या टेंडन, ब्लैक कलर से लिखते हैं टेंडन, ठीक है। अब अगर बात करें ना ये जो कवरिंग है इसको हम लोगों ने क्या कहा, मसल की ऊपर वाली कवरिंग को हम लोग कहते हैं एपी माइसियम, ठीक है, जब ये आगे जाती है बोन से अटैच होती है तो इस रीजन को हम लोग टेंडन कहने लग जाते हैं, ठीक है। तो देखो अब बात सुनो, होता क्या है कि हम लोग कहीं सपोज दैट चलते वलते हैं या रनिंग कर रहे हैं कहीं गड्ढा गड्ढा मतलब कि कहीं पैर वैर फंस जाए ऊपर नीचे कहीं सरफेस पे इधर उधर, थोड़ा अच्छी सरफेस नहीं है यहाँ पे, तो क्या हुआ अगर सपोज दैट अगर भगवान ने ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये जो है ये थोड़े जो जिनसे कनेक्शन है दोनों बोन का ये थोड़े कमजोर बनाए होते तो क्या होते ये लुप से टूट जाते, तो फिर क्या होता पता चला ये टूट जाते हड्डी एक दूसरे पे क्या होती ओवरलैप कर जाती, कहीं दिक्कत हो जाती, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता, शेप गड़बड़ हो जाता हमारी बॉडी का, इसीलिए भगवान ने इन बोन को अटैच करने के लिए ऐसे फाइबर्स का मतलब अटैचमेंट करवाया जो इलास्टिक नेचर है, भगवान ने सोचा कि मतलब कि यार यार बहुत गड़बड़ हो जाएगी ना, कोई ऐसा यहाँ पे दैट मीन्स अटैचमेंट रखें कि अगर गड्ढे उड्ढे में पैर फंस भी जाए चाहे जितना भी, दैट मीन्स यहाँ पे ऐसा कनेक्टिव टिश्यू लगाएं जो स्ट्रेचबल हो स्ट्रेच कर जाए, मतलब कि इंसान भले ही उसको
मतलब चोट वगैरह महसूस हो, दर्द वगैरह मतलब खूब कसके हो, वो चीज़ सही है, वो सहन किया जा सकता है। लेकिन सपोज दैट ऐसा फाइबर कनेक्टिव टिश्यू बनाए जो टूटे ना, दैट मीन्स इन दोनों को बोन को कनेक्ट करके रखे। तो भगवान ने इसका कैसा नेचर बनाया, इलास्टिक नेचर बनाया, स्ट्रेट खिंचाव सहन करने वाला यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू डाल दिया बोन के बीच में, ठीक है। तो खिंचान दैट मीन्स जो हमारा लिगामेंट बनाया वो कैसा बनाया, इलास्टिक नेचर का। तो दैट मीन्स जो कनेक्टिव टिश्यू बनाया, कनेक्टिव फाइबर बनाया, वो कैसा बनाया, डेंस कनेक्टिव टिश्यू में येलो इलास्टिक, दैट मीन्स खिंचाव सहन। सपोज दैट यहाँ पे खिंचाव सहन करने वाला अगर नहीं होता, वाइट ये वाला बना दिया होता, नो मजबूत तो दोनों हैं, मजबूत तो दोनों हैं, लेकिन अगर ये वाला कनेक्टिव टिश्यू बना दिया होता, सपोज दैट टूट जाता तो बॉडी का स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाता। तो भगवान ने ऐसा सोचा होगा कि भाई बोन है, इसको ऐसा हाईली स्ट्रेचेबल वाला बना दें। भाई अगर हाईली स्ट्रेच कर जाती है हमारी बोन्स तो क्या होता है, स्प्रेन हो जाता है, दैट मीन मोच आ जाती है। लेकिन मोच दैट मीन वो हम लोग स्प्रेन जो होता है वो अल्टीमेटली थोड़े दिन बाद सही हो जाता है ना, कुल मिला के वो सही हो जाता है, उसको सही किया है। लेकिन सपोज दैट अगर यहाँ से ये फाइबर लिगामेंट ही अलग हो जाता है, तब तो बोन ही ओवरलैप, तब तो पूरा स्ट्रक्चर ही गड़बड़ हो जाता, तो वो ज़्यादा दिक्कत करता। तो इसीलिए यहाँ पे जो हमारे लिगामेंट बने होते हैं वो कैसे होते हैं, येलो इलास्टिक, दैट मीन्स यहाँ पे इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में, ठीक है। और अगर बात करें और कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दैट मीन्स हमारी बॉडी में जहाँ पे खिंचाव पड़ता है, जिस भी ऑर्गन जहाँ पे जौन से भी एरिया में, वहाँ पे भगवान ने जो कनेक्टिव टिश्यू रखा है वो कैसा रखा है, इलास्टिक फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की वहाँ कवरिंग दे दी है, इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू बना दिया वहाँ पे। लाइक अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, कभी कभी हम लोग बहुत तेज चिल्लाते हैं, तो दैट मीन्स हमारे जो लेरिंग्स में जो वोकल कॉर्ड हैं, ठीक है, इन पर जो थ्रेड लाइक बने हुए वोकल कॉर्ड, इन पर प्रेशर पड़ता होगा बहुत ज़्यादा, तो दैट मीन्स प्रेशर पड़ता होगा, दैट मीन्स ये भी तो है नाजुक से, दैट मीन्स टूट ना जाए। तो इसीलिए यहाँ पे भी जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट है वो इलास्टिक कनेक्टिव टिश्यू ही बनाया गया, ठीक है। तो दैट मीन्स हम लोगों ने देख लिया लिगामेंट देख लिया एंड वोकल कॉर्ड में, बाकी बॉडी में कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू की लेयरिंग हो, ठीक है, फाइबर कनेक्टिव टिश्यू की, दैट मीन डेंस फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की वो हमेशा जो उसमें फाइबर्स पड़े होंगे ना, ओके, तो उसमें फाइबर्स बनाना, फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की कहीं भी कवरिंग हो पूरी बॉडी में, वो हमेशा वाइट कोलेजनस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू पड़ना, ठीक है। लेकिन अब एक बात बताएं, दैट मीन्स स्किन में या फिर बोन के ऊपर या फिर दैट मीन्स कॉर्डिलेज के ऊपर, ये सारे फाइबर वहाँ पे वाइट कोलेजन फाइबर ही प्रेजेंट होंगे, ठीक है। येलो इलास्टिक फाइबर जो होते हैं बस दो जगह प्रेजेंट होते हैं, तो लिगामेंट में और एक हमारे कहाँ वोकल कॉर्ड के, हाँ उस पर वोकल कॉर्ड में, ठीक है। तो दैट मीन्स लेकिन एनसीईआरटी जो होती है वो कनेक्टिव टिश्यू को, दैट मीन्स जो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है उसको ऐसे नहीं पढ़वाती, ठीक है, उसको ये पढ़वाती है इस फॉर्म में, हम बता रहे हैं, ठीक है। नाउ ये हम लोगों ने देख लिया ना कि येलो इलास्टिक कहाँ पाए जाते हैं, जहाँ पे बॉडी में खिंचाव सहन करना है वहाँ पे भगवान ने कौन से कनेक्टिव टिश्यू बनाया, इलास्टिक कनेक्टिव, जहाँ पे खिंचाव वगैरह नहीं सिर्फ मजबूती चाहिए ओनली, तो वहाँ पे बना दिया वाइट कोलेजन। लाइक हमारी स्किन के नीचे जो डर्मिस कवरिंग है, लाइक बना दें यार, ये स्किन है, स्किन के ऊपर यहाँ तो क्या होगा, ये स्किन की बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर तो एपिथेलियल टिश्यू, ये मतलब एपिथेलियम पाई जाएगी, ठीक है, लाइक ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। और नीचे ये जो डर्मिस कवरिंग है, ये हाइपोडर्मिस, ये डर्मिस, यहाँ पे जो फाइबर पड़े होंगे ये एकदम ऐसे वाइट कोलेजन वाले वायर होंगे, येलो इलास्टिक नहीं पाए जाएंगे, तो दैट मीन्स डर्मिस वर्मिस ये सब चीज़ें, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये क्या नाम, एनसीईआरटी जो एक्सप्लेन करती है ना डेंस कनेक्टिव टिश्यू, वो दो टाइप से कनेक्टिव टिश्यू को पढ़वाती है, एक तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। अब डेंस इरेगुलर में क्या होगा, बहुत नाम से ही क्लियर है, डेंस रेगुलर मतलब यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे ना डेंस है, तो यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो रेगुलर होंगे, लाइक सपोज दैट मान के चलो ये सेल्स बना दी हमने, ठीक है, अब ये तो यहाँ पे ग्राउंड मैट्रिक्स, ठीक है, तो इसमें जो फाइबर्स बने होंगे वो रेगुलर अरेंज होंगे, रेगुलर मतलब पैरेलल अरेंज होंगे सारे के सारे ऐसे फॉर्म में रेगुलरली अरेंज होंगे एक दूसरे में, ठीक है, मतलब एकदम
सिस्टमेटिक फॉर्म में पड़े होंगे, एकदम अरेंज होंगे, एकदम पैरेलल अरेंज होंगे, दैट मीन्स रेगुलर फॉर्म में अरेंज होंगे, तो इसको हम लोग कहेंगे डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर फाइबर ऐसे अरेंज हो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में रेगुलर फॉर्म में, तो उसको हम लोग डेंस कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे येलो फाइबर इलास्टिन, दैट मीन्स येलो फाइबर व्हाइट फाइबर से कुछ लेने देना नहीं है, सीधे फाइबर्स के बेस पे यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू को डेंस कनेक्टिव टिश्यू डिवाइड कर दिया। अगर रेगुलर फॉर्म में फाइबर अरेंज है तो उसको डेंस कनेक्टिव बोल देंगे, डेंस रेगुलर कनेक्टिव बोल देंगे। और अगर फाइबर, दैट मीन्स अगर ये है सपोज दैट यहाँ फाइबर्स ऐसे ऐसे, दैट मीन्स उथले पुथले ऐसे, मतलब रेगुलर बेस पे नहीं है, मतलब ऐसे ही बिखरे पड़े हुए इधर उधर, और बीच में सेल्स बना दो और बीच में नॉन मैट्रिक्स है, तो उसको हम लोग इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। डेंस इररेगुलर, डेंस क्यों बोला, फाइबर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, इररेगुलर क्योंकि रेगुलर नहीं है ना फाइबर, एक पैरेलल फॉर्म में नहीं पड़ रहे, इधर उधर सब बिखरे फॉर्म में पड़े हैं फाइबर, तो इसको हम लोग डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू बोलेंगे एंड इसको डेंस इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। अब बात आती है डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, बस दो जगह याद रखना है, डेंस कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों में बॉडी में बस दो जगह याद रखने हैं, एक तो हम लोगों को ये देखने को मिलता है कहाँ पे, ये लिगामेंट में प्रेजेंट होते हैं और एक टेंडन में प्रेजेंट होते हैं। मतलब देखो लिगामेंट में जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो तो इलास्टिन फाइबर प्रेजेंट होंगे, लेकिन वो भी इलास्टिन फाइबर जो होते हैं वो रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं पैरेलल, इसीलिए यहाँ पे ये जो है वो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है, ठीक है। और अगर बात करें ये जो है टेंडन, हमेशा याद रखना लिगामेंट कहाँ पाया जाता है, लिगामेंट वो स्ट्रक्चर होता है जो बोन को बोन से जोड़ता है, नाउ ट्रिक याद रखना बबली, ठीक है, बोन को बोन से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर होता है लिगामेंट। नाउ एक होता है बम्प्टी, ठीक है, बम्प्टी मतलब बोन को मसल से जोड़ने वाला स्ट्रक्चर। नाउ ये जो है ये बोन को मसल से, बोन ये जो स्ट्रक्चर है ये टेंडन है, ये बोन को मसल से जोड़ रहा है, देखो ये बोन को, ये भी टेंडन है ना ये, ठीक है। तो दैट मीन्स जो स्ट्रक्चर बोन को बोन से जोड़े वो लिगामेंट, जो स्ट्रक्चर बोन को मसल से जोड़े दैट मीन्स टेंडन, ठीक है। तो अच्छा ठीक है, तो बोन हो चाहे लिगामेंट हो चाहे टेंडन हो, यहाँ पे जो ये जो फाइबर्स प्रेजेंट होंगे वो रेगुलर फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, तो इसीलिए डेंस रेगुलर, ठीक है। बाकी बॉडी में कहीं भी कनेक्टिव टिश्यू हो फाइबर तो हमेशा वो इररेगुलर, दैट मीन्स जैसे कि हमारी स्किन, ठीक है, तो स्किन में क्या होता है, ये जो डर्मिस लेयर है, ये डर्मिस लेयर है स्किन की, तो यहाँ पे फाइबर्स लाइक ऐसे टेढ़े मेढ़े अरेंज होते हैं, ठीक है, टेढ़े मेढ़े लाइक रेगुलर फॉर्म में नहीं अरेंज है, ठीक है। एंड लाइक जो बोन है, कार्टिलेज है, उनकी कवरिंग्स पे लाइक ये सारे के सारे कैसे होते हैं, लाइक इररेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। और एक चीज़ याद रखना क्या कि जनरली होता क्या है, और फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग कहाँ कहाँ पाई जाती है, देखो जनरली ऐसा होता है कि जो हमारी कैविटीज़ हैं लाइक पेरिटोनियम है, ठीक है, हमारी बॉडी की जो पेरिटोनियम है, कनेक्टिव टिश्यू और कहाँ बनाते हैं बॉडी में, लाइक जो पेरिटोनियम है वहाँ तो जितने ऑर्गन रखे हुए हैं कनेक्टिव टिश्यू दायक हमारे सीलों में, वहाँ की आउटर कवरिंग तो पेरिटोनियम बनाती है, लंग्स की तो प्लूरल कैविटी बना देती है, हार्ट की पेरिकार्डियम बना देती है, लेकिन इसको छोड़ के लाइक पेरिटोनियम वगैरह को छोड़ के अगर कहीं बॉडी का ऑर्गन है लाइक अगर हम अपनी आइज की बात करें या थायराइड ग्लैंड की, तो इसकी आउटर कवरिंग हमेशा कनेक्टिव टिश्यू, हमेशा फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होंगी, ठीक है। तो लाइक आँख की बात करें आई की, तो ये वाइट कलर की लेयर दिख रही है स्क्लेरा, ये भी कहती है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, और इसके अंदर जो फाइबर पड़े होते हैं वो इररेगुलर फाइबर पड़े होते हैं, ठीक, क्योंकि रेगुलर तो दो ही जगह हमको देखने को मिलेगा, एक तो लिगामेंट में और एक टेंडन में, ठीक है। तो ठीक है, ओके, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया क्या, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अब बचा है अपना स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। तो आओ देख लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू में ये होता है कि भाई ग्राउंड मैट्रिक्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है, वहाँ पे फाइबर्स जो होते हैं कम से कम प्रेजेंट होते हैं। नाउ डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो लूज कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप देखे हम लोगों ने, एक तो देखा हम लोगों ने कौन सा, पहला एरियोलर, दूसरा एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। एडिपोज का मतलब क्या होता है, एडिपोज मतलब फैट स्टोरिंग, ठीक है। तो ठीक है, अब हम लोग देखने जा रहे हैं क्या स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। तो स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करें, नाउ थर्ड बचा है अपना लास्ट वाला कनेक्टिव टिश्यू, क्या है, स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू। नाउ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक्चुअली इसका क्लासिफिकेशन, इसमें एक्चुअली
दो चीज़ें आती हैं, एक तो आता है सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और एक आता है वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, नाउ सपोर्टिव में हम लोगों को दो देखने हैं, एक तो देखना है कॉर्टिलेज एंड बोन, ठीक है, और वस्कुलर में हम लोगों को दो देखने हैं, वस्कुलर मतलब जो वेसल्स में कनेक्टिव टिश्यू भर रहे हैं, वेसल्स मतलब पाइप में, लाइक पाइप में क्या भरेगा, फ्लूड भरेगा, तो इसको फ्लूड, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू। और भैया हमारी बॉडी में फ्लूड तो दो ही हैं, एक तो ब्लड है और एक लिम्फ है, ठीक है, तो ये दो कनेक्टिव टिश्यू। तो अगर हम लोग बात करें सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की, देखो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग सबसे पहले अब बात करेंगे किसकी, सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, तो आओ देखते हैं हम लोग सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, और देखते हैं तो ओके सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, नाउ सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू की अगर हम बात करें तो बोन और कार्टिलेज, सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, चलो अच्छा कार्टिलेज पढ़ते हैं ना, दोनों को एक साथ साथ पढ़ते हैं, ओके तो बनाते हैं भैया ये, सपोज दैट कार्टिलेज है, कार्टिलेज ठीक है, कार्टिलेज एक्चुअली बोन से ही जो वीक पोर्शन होता है थोड़ा, उसको कहते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, बोन हार्ड होती है, कार्टिलेज थोड़ा मतलब कि बोन के कंपेयर में क्या होता है, थोड़ा हार्ड नहीं होता, थोड़ा सॉफ्ट होता है, ठीक है, तो अगर हम कार्टिलेज की अगर क्रॉस सेक्शन लें या बोन का क्रॉस सेक्शन लें, तो सबसे पहले कार्टिलेज का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं हम लोग, ये कार्टिलेज बनाई हम लोगों ने, क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, और ये हम लोगों ने बोन का क्रॉस सेक्शन लिया भाई, कार्टिलेज का थोड़ा छोटा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ठीक है, बोन का हम लोग बड़ा क्रॉस सेक्शन लेते हैं, ओके आराम से समझेंगे इसको ना, पहले अच्छा बोन को बना दें, चलो अच्छा बाद में समझा देंगे, ठीक है, होता क्या है, ठीक है और इधर देखो, ठीक है, कार्टिलेज समझते हैं, पहले बोन बनाते हैं, बोन का क्रॉस सेक्शन देखते हैं ना, सपोज दैट ये बोन है हम लोगों ने बनाई, ठीक है, अब होता क्या है, ठीक है, बोन का क्रॉस सेक्शन, ये बोन के बीच में यहाँ पे कैविटी होती है भाई, जिसको हम लोग यहाँ पे बोन की कैविटी होती है, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पे टिश्यू भरा होता है एडिपोज, तो अब हम लोगों ने फिलहाल इसको काट दिया और इसको काट के ऐसे करके ऐसे क्रॉस सेक्शन बना दिया, ठीक है, तो दैट मीन ऐसे ही कार्टिलेज का भी हम लोगों ने क्रॉस सेक्शन किया, ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं होता क्या है ना, इसको समझता है तो एक ब्रेड की स्लाइस ले लो, उससे बहुत अच्छा क्लियर समझ में आएगा, वो बहुत बेस्ट एग्जांपल है यार, पूरा का पूरा कॉर्डिलेज समझा देता है सही से, तो दैट मीन्स अगर ब्रेड की स्लाइस लेंगे तो सबसे पहले ब्रेड की तो चारों तरफ ब्राउन लेयर की कवरिंग होती है ना, ब्राउन लेयर की, वो तो फाइब्रस कवरिंग मान लो भाई, फाइब्रस टिश्यू की, और बीच में वाइट पोर्शन होता है उसको ग्राउंड मैट्रिक्स मान लो, और बीच में क्या होता है, उसमें क्या होता है, गड्ढे होते हैं बीच में उसी वाइट पोर्शन में, ठीक है, वाइट पोर्शन में गड्ढे होते हैं, उन गड्ढों को सेलोपिट्स कह लो, ठीक है, अब उन गड्ढों को लाइक सेलोपिट्स कह लो, उनमें क्या होता है, ये वाली अगर कार्टिलेज पढ़ रहे हैं तो कार्टिलेज को बनाने वाली सेल्स प्रेजेंट होंगी, और कार्टिलेज अगर बोन पढ़ रहे हैं तो बोन को बनाने वाली सेल्स, ना बोन को बनाने वाली सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्टियो बोन भाई, ऑस्टियोलॉजी इज द बोन ऑफ स्टडी, तो इसको हम लोग कहेंगे ऑस्टियोसाइट, नाउ कार्टिलेज को बनाने वाली सेल को हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्ड्रोसाइट, तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें, हमने क्या कहा, एक ब्रेड की स्लाइस लो, ब्रेड की तरफ जो चारों तरफ जो ब्राउन कलर की कवरिंग है वो फाइब्रस कवरिंग होती है, इसी तरह से जो कार्टिलेज होगा उसके चारों तरफ की जो फाइब्रस कवरिंग होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, अरे क्या कहते हैं यार भाई, भूल गए भाई, कॉन्ड्रो, ठीक है, अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम लोग कार्टिलेज की कवरिंग और ऑस्टियोसाइट की कवरिंग की बात करें, ठीक है, तो दैट मीन्स इसमें अगर ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करें तो इसके ग्राउंड मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कार्टिलेज को कॉन्ड्रिन, क्या कहते हैं, कॉन्ड्रिन, ठीक है, और अगर इसके ऊपर की कवरिंग की बात करें, याद आ गया ना, इसको हम लोग कहते हैं एपिकॉन्ड्रिन, ठीक है, और एपिकॉन्ड्रियम, ठीक है, और इसको हम लोग कहते हैं एपी पेरियोस्टियम,
या हाँ पेरिकॉन्ड्रियम, हाँ पेरिकॉन्ड्रियम एंड पेरिओस्टियम, ठीक है ओके। पेरिकॉन्ड्रियम एंड अगर बोन की आउटर कवरिंग फाइबर्स की बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं पेरिओस्टियम, ठीक है ओके क्लियर। नाउ अगर इसके ग्राउंड मैट्रिक्स की बात करें तो इसको कॉन्ड्रिन कहते हैं। नाउ बोन के ग्राउंड मैट्रिक्स की अगर हम लोग बात करें तो इसको हम लोग कहते हैं ओसीन, ठीक है इसको कहते हैं कॉन्ड्रिन, इसको कहते हैं ओसीन, क्योंकि ओसीन नाम इसलिए देते हैं क्योंकि ऑस्टियोलॉजी है, बोन की स्टडी को ऑस्टियोलॉजी कहते हैं, तो उसी से रिलेटेड वर्ड है ये वो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, सेलोपिट्स पाए जाएंगे, सेलोपिट्स मतलब गड्ढे पाए जाएंगे सेल्स जिसमें प्रेजेंट होंगी, ठीक है। ऐसे हम लोग बना देते हैं भाई, सेलोपिट्स बना देते हैं इसके अंदर भाई, ये कार्टिलेज है, कार्टिलेज है ठीक है, ये बोन है हमारी, ये बोन का क्रॉस सेक्शन हम लोगों ने लिया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, गड्ढे बना दे रहे हैं, सेलोपिट्स बना दे रहे हैं, ठीक है सेलोपिट्स बना दे रहे हैं। अब इन सेलोपिट्स में ही सेल्स प्रेजेंट होंगी जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करवाएंगी, ठीक है ये सेल्स बना दे रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे दो कार्टिलेज अच्छा ये जो कार्टिलेज का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स हैं इसको क्या कहते हैं हम लोग, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है। तो दैट मीन्स कहीं कहीं दो कॉन्ड्रोसाइट देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो कहीं कहीं दो कॉन्ड्रोसाइट देखने को मिलेंगी, तो ऑब्वियसली इसकी बात यह है कि कॉन्ड्रोसाइट जो सेल होती है दैट मीन्स ये क्या करती है, कॉन्ड्रोसाइट दैट मीन्स जो मेच्योर कॉन्ड्रोसाइट है वो क्या करेगी, वो सेल डिवीजन का उसमें कैपेसिटी पाई जाएगी, तभी तो देखो जो मेच्योर कॉन्ड्रियोसाइट होती है वो सेल डिवीजन की उसमें कैपेसिटी पाई जाती है, तभी तो वो एक से दो बन गई। तो दैट मीन्स ये ग्राउंड मैट्रिक्स, तो बस कॉर्टिलेज का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा ही होता है, और चूंकि ये कनेक्टिव टिश्यू है तो बीच में इसमें फाइबर्स भी डाल दो भाई, कुछ एक दो फाइबर्स ऐसे प्रेजेंट हैं, ठीक है चूंकि कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स भी होना प्रेजेंट मांगता है, ठीक है फाइबर्स, लेकिन ब्लड वगैरह छोड़ देना, ब्लड में फाइबर्स फाइबर्स नहीं पाया जाता भाई, वहाँ पे फाइबर्स प्रेजेंट हो जाए ब्लड क्लॉट नहीं हो जाएगा। तो फाइबर कनेक्टिव टिश्यू में हर जगह फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, ब्लड ब्लड को छोड़ के, ब्लड एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड या लिम्फ, यहाँ पे फाइबर्स नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब अगर बात करें हम लोग बोन की, तो बोन की जो ऊपर वाली जो फाइबरस कवरिंग उसको क्या कहते हैं भाई, पेरिओस्टियम, ठीक है इसको पेरिकॉन्ड्रियम, इसको पेरिओस्टियम। नाउ इसके ग्राउंड मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियम, इसके ग्राउंड मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं ऑसियम, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये सेलोपिट्स प्रेजेंट थे, ठीक है इन सेलोपिट्स को कहते हैं हम लोग, इन सेलोपिट्स को हम लोग कहते हैं लैकुनी, लैकुनी ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एनसीईआरटी बहुत पूछा जा चुका है लैकुनी। नो अगर बात करें यहाँ पे सेलोपिट्स जो बोन में पाए जाते हैं, ठीक है इनके जो सेलोपिट्स दैट्स मीन्स जो लैकुनी है बोन के, ये एकदम कॉन्सेंट्रिक फॉर्म में अरेंज होते हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब चारों तरफ फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है लाइक चलो ब्लू कलर से ही बना देते हैं भाई, ओके ठीक है। कॉन्सेंट्रिक मतलब चारों तरफ ऐसे फॉर्म में अरेंज होते हैं, ठीक है लैकुनी, ठीक है। अच्छा चूंकि हमने क्या कहा था कि बोन का क्रॉस सेक्शन, तो बोन में कैविटी भी तो है, तो यहाँ पे कैविटी तो बनाओ भाई, कैविटी बनाई नहीं हम लोगों ने, ये कैविटी है भाई बीच वाली एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू जिसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। और अगर बात करें अच्छा अब बात करें ये जो सेल्स हैं इनको ग्लूकोज ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, तो सिंपल सी आर्टरी वेन, तो इनकी जो सरफेस होती है ना कॉर्टिलेज की, तो यहाँ पे क्या होता है, यहीं पे क्या होता है वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, यहीं पे ब्लड वेसल्स के पाइप आते हैं, ठीक है वही डिवाइड करके डिफ्यूज करके इन सेल्स के पास एज अ कैपिलरीज के फॉर्म में चले जाते हैं, वहाँ से ऑक्सीजन और ग्लूकोज डिफ्यूज कर जाते हैं, और फर्दरली क्या होता है यहाँ से भी नीचे से भी इधर उधर, ठीक है बीच में नहीं लेकिन किनारे साइड में, ठीक है ऐसे क्या होता है यहाँ पे भी बोन में भी, यहाँ पे क्या होता है भाई ब्लड वेसल्स के पाइप आएंगे, तो जो किनारे वाली सेल्स होगी, जो किनारे वाली सेल्स होंगी दैट मीन्स जो लैकुनीज हैं वो कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज है, तो यहाँ पे क्या होगा इनको तो ग्लूकोज ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि जो 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 एनिमल्स हैं ना जो लाइक कॉर्डेट है उनकी बोन तो बहुत ज़्यादा मजबूत होती है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है, ठीक है तो बड़ी बोन्स होती हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे, और दैट मीन्स इनका ग्राउंड मैट्रिक्स जो होता है वो दैट मीन्स पैलिएबल होता है भाई, सॉफ्ट होता है, बोन जो होती है हार्ड होती है, इसका ग्राउंड मैट्रिक्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा कैसा होता है हार्ड होता है ना, दैट मीन्स आर्टरी वेन जो होती हैं चाहे वो इसका ग्राउंड मैट्रिक्स हो चाहे वो इसका ग्राउंड मैट्रिक्स हो बोन का, आर्टरी बोन एकदम बीच में नहीं बना सकते हम लोग, बीच में नहीं पाई जाती। सो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें इसकी
बोन की, तो आर्टरी वेन इसमें भी पाई जाती है, इसमें तो किनारे पाए जाती हैं क्योंकि ये सॉफ्ट होती है, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो पास वाली सेल है लैग्मी, तो इनको डिफ्यूजन के थ्रू ऑक्सीजन और ग्लूकोज मिल जाती है। लेकिन जो बोन की बात करें तो बोन में क्या होता है, जो किनारे वाली सेल हैं जो कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज हैं, उनको तो किनारे जो ब्लड वेसल प्रेजेंट होती हैं उनसे डिफ्यूज होकर ऑक्सीजन ग्लूकोज मिल जाता है, और बीच में जो कैविटी पाई जाती है बोनी कैविटी, ये जो वाली कैविटी है यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आर्टरीज और वेन प्रेजेंट होती हैं भाई, यहाँ पे ये आर्टरीज और वेन प्रेजेंट हैं, तो पास में जो यहाँ पे लैकुनीज प्रेजेंट है कंसेंट्रिक फॉर्म में, तो यहाँ तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन इनको मिल जाती है, ट्रांसफर हो जाती है, और किनारे वाली जो लैकनीज है, देखो ये लैकनी बनाए इनके बीच में कॉन्ड्रोस, वो ऑस्टियोसाइट भी बना देना, ऑस्टियोसाइट जो होती है एक्चुअली वो सपोज दैट ये हमने थोड़ी बड़ी वो बनाई, ठीक है लैकनी, ये सपोज दैट ऑस्टियोसाइट सेल है, ऑस्टियोसाइट जो सी सेल ब्रांच सेल होती है, ठीक है ब्रांच सेल होती है, ठीक है, तो उसमें ब्रांचिंग्स निकली होती है, इन ब्रांचिंग्स को अपन कहते हैं कैनालिकुली, कैनालिकुली। अच्छा, चूंकि इसकी जो लैकुनीज होती है ना वो कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज होती हैं, इसीलिए जो इनका ग्राउंड मैट्रिक्स होता है बोन का वो एकदम लेयर फॉर्म में अरेंज हो जाता है, लेयरिंग में अरेंज होता है, एंड इस लेयर ग्राउंड मैट्रिक्स का लेयरिंग फॉर्म में अरेंज होना इसको हम लोग कहते हैं लैमिली, नो लैमिली कहते हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स, अच्छा तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें कि भाई यहाँ पे ब्लड वेसल निकाल दी, इससे क्या होगा, यहाँ की जो अरेंज हैं सेल्स हैं बोन की उनको तो मिल जाएगा ऑक्सीजन ग्लूकोज दैट मीन न्यूट्रिशन, और जो किनारे वाले पोर्शन पे ब्लड वेसल प्रेजेंट हो वो किनारे वाले, लेकिन जो बीच में सेल्स प्रेजेंट हैं उनको कौन ग्लूकोज ऑक्सीजन देगा, क्योंकि भाई हार्ट सबस्टांस से बीच में से आर्टरी वेन निकल नहीं सकती, तो दैट मीन्स होता है ऐसा है कि भगवान ने क्या किया, यहाँ पे क्या किया, यहाँ बीच वाले पोर्शन में जहाँ पे आर्टरीज वेन नहीं बना सकते तो वहाँ ने भगवान ने खड़े खड़े पाइप बना दिए, खड़े खड़े पाइप निकाल दिए, ठीक है आर्टरी और वेन के खड़े खड़े पाइप निकाल दिए यहाँ पे, ठीक है यहाँ पे, ठीक है, तो इनके जो चारों तरफ सेल्स प्रेजेंट थी, ठीक है कंसेंट्रिक फॉर्म में सेल्स अरेंज है भाई चारों तरफ, अब इन सेल को इन 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 पाइप से मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये जो पाइप निकाली हैं बीचों बीच में बोन में, इन पाइप्स को अपन कहते हैं क्या, हैवर्सियन कैनाल, हैवर्सियन कैनाल, ठीक है। दो हैवर्सियन कैनाल का कनेक्शन होता है, एक दो हैवर्सियन कैनाल, दैट मीन्स एक ये हैवर्सियन कैनाल, एक ये हैवर्सियन कैनाल, ठीक है, इन दोनों में एक आर्टरी बनी है, एक वेन, देखो ये दो पाइप नहीं है, ये दो पाइप हैं वो ब्लड के पाइप हैं, इनमें से एक बड़ा है कैनाल, ठीक है उसको हम हैवर्सियन कैनाल बोल रहे हैं, ठीक है, ये तो ब्लड वेसल के दो पाइप हैं, एक कैनाल है उसके अंदर दो पाइपें पड़ी हुई हैं वो ब्लड वेसल की हैं, तो इस पाइप और इस पाइप का अटैचमेंट होता है एक ट्रांसवर्स पाइप के द्वारा, ये दोनों पाइप जुड़ी रहती हैं, कैनाल जुड़ी रहती हैं, उसको हम लोग कहते हैं वॉक्समैन कैनाल, वॉक्समैन कैनाल, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम लोग बात करें और ये जो चूंकि हैवर्सियन कैनाल, तो इसको हम लोग कहते हैं हैवर्सियन सिस्टम ना, एक जो सेल होती है ना, जैसे लकड़ी, जैसे दीमक नहीं लकड़ी को खाता है, ठीक है, वैसे ही एक सेल होती है जो इसके ग्राउंड मैट्रिक्स या हैवर्सियन ये सिस्टम को खाता है, इसको हम लोग हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं, ये हैवर्सियन कैनाल्स विद अटैच्ड विद ये जो कंसेंट्रिक सेल हैं सारी कॉन्ड्रोसाइट, उसको मिला के हम लोग हैवर्सियन सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो एक सेल होती है कॉन्ड्रोक्लास्ट और सॉरी ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट का मतलब क्लास्ट करने वाली, ब्लास्ट करने वाली, ठीक है, दैट मीन्स खाने वाली, तो इसके वो क्या होता है, हड्डी को खाती रहती है, ठीक है, हड्डी को खाती रहती है, उसके कारण क्या होगा, जो ऑस्टियोक्लास्ट सेल है तो उसके कारण क्या होगा, हैवर्सियन सिस्टम क्या होगा, कोई कोई हैवर्सियन सिस्टम को खा लेगी तो फिर नए हैवर्सियन सिस्टम बनेंगे, तो जो हैवर्सियन सिस्टम सपोज दैट इस हैवर्सियन सिस्टम को खा लिया तो यहाँ पे स्पेस बन गया ना, तो इस स्पेस को कहेंगे इंटरस्टिशियल जोन। इसीलिए जब हम किसी मेच्योर बोन को काटें एनिमल को, जो एकदम बड़ी बोन होती है, तो उसमें हम लोगों को चार जोन, एक तो आउटर सर्कमफेरेंशियल जोन देखने को मिलता है, एक इनर सर्कमफेरेंशियल जोन मिलता है, एक हैवर्सियन जोन मिलता है जहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम प्रेजेंट होता है, एक वो जहाँ पे हैवर्सियन सिस्टम को खा लिया गया होता है, नई स्पेस होती है, उसको हम लोग जोन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया भाई, अब कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये अपना
बोन हो गया, कॉर्टिलेज हो गया। अब बात करें अगर हम लोग कॉर्टिलेज के और बोन के फंक्शन को, ये करते क्या है हमारी बॉडी में, सिंपल सी बात है, कॉर्टिलेज हो या बोन हो हमारी बॉडी को क्या, अगर भाई हमारी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको प्रॉपर एक सेप प्रोवाइड, जैसे हमारा ये ईयर है, ईयर है ऐसा, क्योंकि बोन जो होती है उसका ग्राउंड मैट्रिक्स हार्ड होता है इसीलिए बोन हार्ड होती है, इसका ग्राउंड मैट्रिक्स पैलिएबल मैट्रिक्स थोड़ा सॉफ्ट होता है इसीलिए कार्टिलेज बोन के कंपेयर में सॉफ्ट होता है। जैसे ये ईयर है, इस ईयर का पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे बोन होगी या कार्टिलेज होगा। अब चूंकि ये चूंकि मुड़ जा रही है दैट मीन्स ग्राउंड मैट्रिक्स पैलिएबल है तो ये कार्टिलेज होगा ना कि बोन होगी, हार्ट है हाथ मुड़ नहीं रहा तो यहाँ पे बोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो दैट्स इट, करता क्या हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब कॉर्टिलेज में देख लें जल्दी जल्दी हम लोग, अगर कॉर्टिलेज अगर देख लें, अब हम लोग टाइप्स पढ़ लें जल्दी जल्दी, चलो ठीक है। कॉर्टिलेज की बात करें तो कॉर्टिलेज हम लोगों को चार टाइप के कॉर्टिलेज देखने होते हैं, ठीक है। एक हाइलस कॉर्टिलेज, हाईलाइन कॉर्टिलेज पढ़ना है, हाईलाइन कॉर्टिलेज होता है हमारी बॉडी में, एक मिनट, हाईलाइन कॉर्टिलेज, हाइलाइन कॉर्टिलेज, और एक पढ़ते हैं हम लोग वाइट फाइब्रस कॉर्टिलेज, और एक पढ़ते हैं हम लोग येलो इलास्टिक कॉर्टिलेज, वाइट फाइब्रस कोलेजन, हाँ ठीक है, वाइट फाइब्रस कोलेजन कॉर्टिलेज, एक येलो इलास्टिक कॉर्टिलेज पढ़ते हैं, ठीक है, और एक पढ़ते हैं हम लोग कैल्सीफाइड कॉर्टिलेज, ठीक है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है ना, इसीलिए इतना जल्दी जल्दी बता रहे हैं सारी चीज़ें। नाउ हाइलाइन का मतलब होता है, हाइलस का मतलब ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट हम लोगों में ये एकदम सॉफ्ट फाइबर होता है, ठीक है, नाजुक एकदम। तो भगवान ने इस कॉर्टिलेज को कहाँ बनाया, जहाँ पे ये कॉर्टिलेज प्रेजेंट है वो एकदम मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट जगह होगी बॉडी में, लाइक अपन की नोज़ है, ये जो नेजल सिप्टम पिंक कलर की ये जो दीवार है नाक के बीच में, नोज़ के बीच में नेजल सिप्टम जिसको बोलते हैं, दैट मीन्स ये बहुत सॉफ्ट होती है। तो यहाँ पे इसी टाइप की कॉर्टिलेज प्रेजेंट है, कौन सी कॉर्टिलेज, हाईलाइन कॉर्टिलेज। देखो ना जानवर की गाँव में देखो, जैसे कि कहीं पर ऊँट पर देखो अपन जानवर की क्या होती है, नकेल कस दी जाती है ना, तो दैट मीन्स वो नकेल को यहीं कस दी जाती है, क्योंकि ये जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है इसी तो नकेल कस दी जाती है, अगर हार्ड होता तो नहीं कस पाते ना। तो हाइलाइन कॉर्टिलेज दैट मीन्स, और कहाँ प्रेजेंट होता है हाइलाइन कॉर्टिलेज, हमारी जो ट्रैकिया है वो सीट से लिंक पाई जाती है कॉर्टिलेज, वो कॉर्टिलेज भी हाइलाइन कॉर्टिलेज प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हमारी वाइट फाइब्रस कॉर्टिलेज में, तो ये सिंपल सी बात है, यहाँ वाइट फाइब्रस दैट मीन्स वाइट वाइट कलर्ड फाइबर बनाया हुआ है, और जहाँ पे कोलेजन फाइबर दैट मीन्स वहाँ पे मजबूती के लिए बनाया होगा, वाइट कोलेजन फाइबर दैट मीन्स वहाँ पे प्रेजेंट हम बता रहे हैं। अच्छा को अच्छा बना के दिखा दे, सपोज दैट ये हमारा हेड है और यहाँ पे क्या हुई, ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम है, दो वर्टिब्रल कॉलम के बीच में कॉर्टिलेज पाई जाती है, तो वहाँ पे जो कॉर्टिलेज बनाई वो वाइट फाइब्रस कॉर्टिलेज बनाई भगवान ने, ये क्योंकि मजबूत होती हैं। सिंपल सी बात है, हम लोग जंपिंग करते हैं, कहीं किसी से कूदते हैं, रस्सी कूदते, एक्सरसाइज करते हैं, सपोज दैट ये हमारी वर्टिब्रल कॉलम के बीच में जो कॉर्टिलेज है अगर वो सॉफ्ट कॉर्टिलेज है, सपोज कहीं दबदबा आ गई तो दिक्कत हो जाएगी, स्ट्रक्चर गड़बड़ हो जाएगा, तो वहाँ पे भगवान ने कैसी कॉर्टिलेज बनाई, मजबूत कॉर्टिलेज बनाई, ठीक है। और अगर बात करें ये वाली कॉर्टिलेज और कहाँ, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक रीजन में देखने को मिलती भाई, जब प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है बेबी की, प्रेगनेंसी टाइम में जब बेबी डिलीवर होता है तो भाई जो प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक बोन जो होती हैं वो एकदम अटैच होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है, क्योंकि ये जो प्यूबिक सिम्फाइसिस का जो कनेक्शन है ये कैसे किसका बना होता है, वाइट फाइबर्स कॉर्टिलेज का, क्यों तभी इतना प्रेशर, तभी इतना ताकत लगानी पड़ती है, क्योंकि ये प्यूबिक सिम्फाइसिस जो बना होता है वो अटैचमेंट होता है जो प्यूबिक बोन को अटैच करके रखता है वो वाइट फाइबर्स कॉर्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो दैट मीन प्यूबिक सिम्फाइसिस भी किसका बना है, ये कॉर्टिलेज का, वाइट फाइबर्स, ठीक है। और अगर बात देखें येलो इलास्टिक फाइबर, येलो इलास्टिक फाइबर वहाँ भगवान ने बनाया जहाँ पे मजबूती भी देनी हो, इलास्टिक भी देनी हो, ठीक है, और प्रॉपर शेप भी प्रोवाइड करना हो किसी स्ट्रक्चर को, लाइक हमारा ईयर है, नोज ऑफ टिप है, देखो इलास्टिक है मतलब इलास्टिसिटी, मुड़ जाएगा, देखो मुड़ जाता है ना, ये मुड़ जाता है, तो यहाँ पे इलास्टिसिटी, यहाँ पे इलास्टिसिटी, दैट मीन्स यहाँ पे प्रेजेंट है नोज ऑफ टिप यहाँ पे, ठीक है। कैल्सीफाइड कॉर्टिलेज हम लोगों में पाया नहीं जाता, ठीक है, फ्रॉग रॉक में पाया जाता है, स्कैपुला में, यहाँ पे कैल्सीफाइड क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट है। अच्छा, कैल्शियम से याद आया, बोन का जो ग्राउंड मैट्रिक्स होता है ना वो बहुत हार्ड किस लिए होता है, यहाँ पे कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट, कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होते हैं, सुना होगा ना, कैल्शियम एल्शियम बहुत ज़्यादा बोन में पाया जाता है, तो इस कैल्शियम को, कैल्शियम आता कहाँ से, सिंपल सी बात है, कैल्शियम आता है हमारे ब्लड से भाई, हमारे ब्लड से आता है,
हमारे ब्लड से, हम लोग यहाँ पे कुछ खाते हैं तो कैल्शियम वगैरह, भाई कैल्शियम वगैरह जो भी खाएंगे, वो जो भी कोक खाए उसका कैल्शियम क्या होता है, ब्लड से एब्जॉर्ब होकर बोन में चला जाता है, भाई सिंपल सी बात है। तो बोन में जाएगा कैल्शियम तो बोन का ग्राउंड मैट्रिक्स में प्रेजेंट होगा। बताते हैं 32% बोन का ग्राउंड, 32% बोन के ग्राउंड मैट्रिक्स में कैल्शियम पाया जाता है, बाकी 38% उसमें फाइबर ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि यहाँ की सेल्स खुद बनाती हैं, ठीक है। तो ये हो गया, अब बात आई चलो बोन की, बोन की बात करें, बोन की फंक्शन हम लोग देख लेते हैं। बोन के, बोन क्या करती है, सपोर्टनेस प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। चलो अच्छा अच्छा एक एक अच्छे से देख लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग फंक्शन ऑफ बोन देख लेते हैं यार, एक्चुअली फंक्शन ऑफ बोन देख लेते हैं। पहला फंक्शन क्या है, ये फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, हमारी बॉडी का प्रॉपर एक शेप बनाता है, फ्रेमवर्क बनाता है, एक स्ट्रक्चर बनाता है। सपोज दैट हमारे हाथ का स्ट्रक्चर ऐसा है तो हमारी बोन है यहाँ पे, अगर बोन नहीं होगा ऐसा स्ट्रक्चर थोड़े ना होगा ना। दूसरा अगर हम लोग देखें, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स, मिनरल्स कैल्शियम एल्शियम का रिजर्वायर होता है, हमारे ब्लड वगैरह में अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है बोन अपने में से कैल्शियम निकाल के बॉडी में दे देती है ब्लड में कि जो भैया, और अगर जब स्टोरेज रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स जब बॉडी में कैल्शियम दैट मीन ब्लड में ज़्यादा हो तो ब्लड से कैल्शियम ले लेती है हमारी बोन, ठीक है ना। थर्ड अगर हम लोग फंक्शन देखें बोन का क्या होता है, तो इट एक्ट एज अ प्रोटेक्शन प्रोवाइड टू विसरल ऑर्गन, ये हमारे जो विसराग हैं इंटरनल ऑर्गन को हमारे विसराग कहते हैं, लाइक किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लंग्स हो गए हमारे, इनको क्या करता है प्रोटेक्शन, लाइक वर्टिब्रा, ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड हो गई ना, इसको क्या करता है, ये क्या करता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन इनके चारों तरफ बोन्स प्रेजेंट होंगी, जिस कारण हम लोग अगर गिरेंगे तो हमारी वो जो ये जो सॉफ्ट ऑर्गन है लाइक हार्ट है हमारा, लंग्स है हमारा, इनको क्या होगा झटका नहीं लगेगा, जर्क नहीं लगेगा, उस जर्क को ये एब्जॉर्ब कर लेगी बोन, ठीक है। और अगर बात करें हम लोग हीमोपोइसिस, हीमोपोइसिस ना, हीमो का मतलब होता है ब्लड, पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना, सिंथेसिस करना, प्रोडक्शन करना, दैट मीन्स ये क्या करता है भाई, यहाँ पे बीच में बोन मैरो प्रेजेंट होती है ना, कोई कोई बोन में क्या होती है बोन मैरो प्रेजेंट होती है, यहाँ से क्या होता है ब्लड बनता है, ब्लड सेल्स बनती हैं, दैट मीन्स ब्लड का फॉर्मेशन भी हमारे बोन ही करती हैं, ठीक है। और अगर फिफ्थ वाला वेट बियरिंग का काम करती है भाई, सपोज दैट हम लोग क्या है बाइपेडल लोकोमोशन करते हैं तो हमारी पूरी बॉडी का जो ये है पूरा वेट है वो किसकी बोन पे ही तो है, जो हमारी ये फीमर ईमर बोन है लेग की, यही तो संभाल रही है हमारी पूरी बॉडी का वेट सपोज, तो दैट मीन्स बोन क्या कर रही है वेट बियरिंग का काम कर रही है। और अगर हम लोग देखें ये सिक्स्थ पोर्शन साउंड ट्रांसमिशन का काम करती है, साउंड ट्रांसफर का काम करती है राइट भाई। अगर हम बात करें देखो मेजरली बोन के दो काम है, एक तो वेट बियरिंग और एक क्या है प्रोटेक्शन टू विसरल ऑर्गन, लेकिन अगर थर्ड काम एक और है, थर्ड फंक्शन ये हमारी बॉडी में क्या करता है साउंड ट्रांसमिशन भाई। तो ईयर ऑस्कल है जो ईयर बोन है हमारी मेलिसिन डिस्ट्रीब्यूट ईयर बोन है, वो क्या कर रही है, वो ना तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है ना तो कोई वेट बियरिंग का काम कर रही है। तो थर्ड प्रोटेक्शन थर्ड फंक्शन अगर पहुँच लिया जाए कि भाई ऐसा कोई फंक्शन बताओ बोन का कि ना तो वेट बियरिंग का काम कर रही है ना तो प्रोटेक्शन, थर्ड फंक्शन क्या है साउंड ट्रांसमिशन, क्योंकि ईयर ऑसिकल्स हैं जो ईयर बोन है हमारी वो क्या कर रही है साउंड ट्रांसफर कर रही है भाई अंदर से बाहर से अंदर तक, तो दैट मीन्स ये साउंड ट्रांसमिशन का भी काम करती है, ठीक है। तो ये खत्म हो गई, बस कंप्लीट हो गया, अब क्या एनसीईआरटी रीडिंग करा दें बस हो गया, ठीक है। और एनसीईआरटी रीडिंग करा देते हैं भाई, ठीक है, इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। नाउ अब बच जाता है फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू, तो फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड है और क्या है लिम्फ, ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, उसको हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में देखेंगे। बस कनेक्टिव टिश्यू पूरा कंप्लीट हो गया, और रीडिंग मार रहे हैं हम लोग की, ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू। नाउ कनेक्टिव टिश्यू आर मोस्ट अबंडेंट, हाँ सही बात है भाई, हमारी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा चारों टाइप में जो सबसे ज़्यादा टिश्यू पाया जाता है वो मोस्ट अबंडेंट टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। मोस्ट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी ऑफ कॉम्प्लेक्स एनिमल, कॉम्प्लेक्स एनिमल लाइक हम लोग जो सबसे कॉम्प्लेक्स एनिमल हैं, ठीक है, मल्टी सेलुलर में।
दे आर नेम्ड कनेक्टिव टिश्यू बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल फंक्शन ऑफ लिंकिंग। सिंपल सी बात, इसका नाम कनेक्टिव टिश्यू ये है, कोई ना कोई टिश्यू को कनेक्ट कर रहा होगा, कोई ना कोई कनेक्टिव टिश्यू आपस, चाहे आपस में ही एक दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू, एक कनेक्टिव टिश्यू दूसरे से कनेक्टिव टिश्यू से लिंक हो रहा हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है एक कनेक्टिव टिश्यू किसी दूसरे कनेक्टिव टिश्यू लाइक एपिथीलियल से कनेक्शन बिल्डअप कर रहा हो। लाइक अगर स्किन की बात करें तो एक डर्मिस के नीचे फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, ऊपर क्या था एपिथीलियल, दोनों के बीच में कनेक्शन आ रहा, तो वो भी कनेक्टिव टिश्यू क्या है, कनेक्टिव टिश्यू एपिथीलियल कनेक्टिव टिश्यू के साथ कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है, तो ऐसे है, तो दैट मीन्स ये कनेक्शन प्रोवाइड कर रहा था बिकॉज ऑफ देयर फंक्शन ऑफ लिंकिंग सपोर्टिंग टिश्यू और ऑर्गन। ऑर्गन को भी भाई सही बात है भाई, ऑर्गन है तो उसमें टिश्यू प्रेजेंट नहीं है, तो दैट मीन्स उनके अंदर भी एक दूसरे से कनेक्शन बनवा रहा है कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और अगर बात करें लाइक ऑर्गन से ऑर्गन कनेक्शन की बात करें, लाइक जो हमारा ब्लड है, ब्लड एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक जाता है, तो ये भी क्या है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, तो कनेक्शन कनेक्शन करवा रहा है कि नहीं एक ऑर्गन का दूसरे का ऑर्गन से कनेक्शन, इसीलिए कनेक्टिव टिश्यू क्या कनेक्शन बिल्डअप करवाता है एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन। ठीक है, द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज टाइप विच। ठीक है, द रेंज अगर बात करें इनकी, हम लोग ये सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलते हैं, स्पेशल टाइप के भी कनेक्टिव टिश्यू मिलते हैं। ठीक है, विच इंक्लूड कार्टिलेज, द रेंज फ्रॉम सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू टू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, जो रेंज है किसकी, सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू लाइक अगर हम लोग बात करें एपिथीलियल कनेक्टिव टिश्यू की, या सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू में हम लोग कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, लाइक कार्टिलेज हो गए, बोन हो गए, और स्पेशलाइज में और अपना ब्लड आ गया, फ्लूड वो लिम्फ आ गया। ठीक है, इंक्लूड कार्टिलेज, बोन, एडिपोज एंड ब्लड। ठीक है, ओके, इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। नाउ जितने कनेक्टिव टिश्यू हैं उसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लड की बात कर रहा है, चलो लिम्फ भी इसने ऐड नहीं किया, लिम्फ में भी एक्चुअली होता है। इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड द सेल्स सेक्रेटेड फाइबर। ठीक है, देखो सारे कनेक्टिव टिश्यू में जो होते हैं सेल्स जो हैं वो फाइबर सेक्रेट करते हैं, लेकिन ब्लड में क्या होता है ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता है भाई। सिंपल सी बात है, अगर ब्लड में भी जो ब्लड सेल है लाइक आरबीसी, ये अगर फाइबर सेक्रेट करने लगेंगे आरबीसी, तो ब्लड क्या करेगा, क्लॉट कर जाएगा भाई, वहाँ पे क्लॉटिंग नहीं करवानी ना, इसीलिए वो सेल्स फाइबर नहीं सिक्रेट करती हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑल सिक्रेट फाइबर, बाकी जहाँ कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट वो सारी की सारी सेल फाइबर सिक्रेट करती, तभी लिखा गया इन ऑल कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड। नाउ द सेल सेक्रेट फाइबर्स स्ट्रक्चर प्रोटीन कॉल्ड कोलेजन और इलास्टिन। टिम्पल की बात बता ही चुके हैं, एक थर्ड टाइप भी बताया था रेटिकुलिन, लेकिन वो चूंकि इतना पाया नहीं जाता हमारी बॉडी में, इसलिए एनसीईआरटी ने भी मेंशन नहीं किया। नाउ द फाइबर्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ, फाइबर क्या करते हैं हमारी बॉडी में, जो कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उसमें कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स क्या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन प्रोवाइड करते हैं टू द टिश्यू। नाउ दीज सेल्स ऑल्सो सेक्रेटेड मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड, वो जो ग्राउंड मैट्रिक्स है उसी की बात कर रहा है, वो पॉलीसेकेराइड ही होता है। ठीक है, लाइक ग्लूकोज की चैन बताया था ना, प्रोटियोग्लाइकन या हायलुरोनिक एसिड, वो क्या है एक टाइप का, वो क्या है पॉलीसेकेराइड ही होता है। ठीक है, वो जो ग्लाइकोप्रोटीन्स चैन बनाई थी हम लोगों ने, जो वो पॉलीसेकेराइड ही होता है। नाउ द सेल्स बी मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड विच एक्युमुलेट बिटवीन द सेल्स फाइबर्स एंड एक्ट मैट्रिक्स, ग्राउंड मैट्रिक्स के रूप में एक्ट करता है वो। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू आर क्लासिफाइड इन टू थ्री टाइप्स, बता चुके हैं भाई, पहला क्या है एपिथीलियल, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, तीसरा स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। अब सबसे पहला देखेंगे लोग कनेक्टिव टिश्यू, नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाउ लूज कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, हैज सेल्स एंड फाइबर्स लूजली अरेंज, यहाँ पे सेल्स और फाइबर जो होते हैं लूजली अरेंज होते हैं, इन सेमी ग्राउंड मैट्रिक्स, इन सेमी फ्लूड सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल एरियोलर। नाउ एरियोलर अगर बात करें, एरियोलर में वैसा होता है प्रेजेंट बीनीथ द स्किन, मतलब स्किन के नीचे प्रेजेंट होता है, इसका एग्जाम्पल 7.4 में दिखाया है, लाइक ये वाला, ये देखो ये जो है ये एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, देखो हम लोग बनाया था ना माइक्रोफेज सेल, फाइब्रोब्लास्ट सेल, कोलेजन सेल, मास सेल, वही दिखा दिया है। ठीक है, अब अगर इसी लूज कनेक्टिव टिश्यू में एडिपोसाइट भी बढ़ा दी जाए ज़्यादा संख्या में, तो वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू बढ़ जाएगा, और एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू फैट स्टोरिंग सेल, ये तो बीच में स्पेस है यहाँ पे फैट स्टोर होगा। ठीक है, तो दैट मीन्स ऑफन इट सर्व एज सपोर्ट फ्रेमवर्क फॉर एपिथीलियम, ये एपिथीलियम को हमारी क्या करता है सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, कौन एपिथीलियम भाई, लूज कनेक्टिव टिश्यू के आगे वो हमने क्या बताया था, स्टमक दिखाया था ना, स्टमक की मसल, उसके बीच में एडिपोज कनेक्टिव लूज कनेक्टिव टिश्यू भरा था, उसके चारों तरफ स्किन प्रोवाइड थी, तो ये क्या एपिथीलियम को सपोर्ट फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रहा था। ठीक है,
तो ठीक है भाई, एपिथीलियम प्रोवाइड इट कॉन्टेंट फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, बता रहा है कि कौन कौन सी सेल प्रेजेंट होती हैं इसके अंदर। कॉन्टेंट फाइब्रोब्लास्ट जो कि फाइबर सेक्रीट करेंगी, ठीक है, मैक्रोफेसेस एंड मास्ट सेल्स, ठीक है भाई, देख लिया हम लोगों ने। नाउ एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू एंड द टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ द स्किन, ठीक है भाई, देख लिया। द सेल्स ऑफ टिश्यू स्पेशलाइज्ड स्टोर फैट, फैट स्टोर करेंगी भाई, ठीक है। द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट, वो जो एक्सेस हम लोग ज़्यादा खाना खा लेते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं हम लोग एक्सरसाइज वगैरह से बर्न नहीं कर पाते हैं, तो वो जो खाना होता है हमारी बॉडी में वो एक्सेस पोर्ट में जो होता है वो फैट के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ठीक है, एनसीईआरटी वही बता रही है। नाउ द एक्सेस न्यूट्रिएंट्स व्हिच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली, जिसको हम लोग यूज नहीं कर पाते हैं, आर कन्वर्टेड इन टू फैट, वो फैट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है एंड स्टोर इन द टिश्यू, और इस एडिपोज टिश्यू के रूप में हमारी बॉडी में स्टोर होता है, ठीक है। फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट आर कॉन्टेक्टली पैक्ड इन डेंस कनेक्टिव टिश्यू, अगर हम लोग अब इसने अब हो गया लूज कनेक्टिव टिश्यू खत्म यहाँ से, अब ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बात कर रहा है, ठीक है। नो जिसमें क्या होता है फाइबर्स हुआ या फाइब्रोब्लास्ट, सिंपल सी बात है यहाँ पे फाइबर्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, और फाइबर्स बने प्रेजेंट होते हैं, फाइबर्स को बनाने वाली सेल कौन सी होती है, फाइब्रोब्लास्ट, दैट मीन्स जितनी सेल्स हैं कनेक्टिव टिश्यू में उसमें फाइब्रोब्लास्ट से सबसे ज़्यादा पाई जाएगी, क्योंकि उसको फाइबर सिक्रीट करना है ना, तो दैट मीन्स फाइबर्स एंड फाइब्रोब्लास्ट कॉमनली पैक्ड डेंस फॉर्म, तभी डेंस कनेक्टिव टिश्यू। ना ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन के हिसाब से फाइबर्स अगर पैरेलल फॉर्म में ओरिएंटेशन लाइन रेगुलरली फॉर्म में पड़े तो रेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू, इरेगुलर इधर उधर बिखरे बिखरे फाइबर पड़े हैं तो इरेगुलर, दैट मीन्स इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, दैट मीन ओरिएंटेशन ऑफ द फाइबर्स और रेगुलर एंड इरेगुलर पैटर्न एंड आर कॉल्ड डेंस रेगुलर एंड डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। इन द डेंस ऑफ रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू द कोलाइजन फाइबर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रोज मैनी पैरेलल बंडल्स पैरेलल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे। नाउ लाइक पैरेलल फॉर्म में कहाँ बताया था हमने, टेंडन और लिगामेंट में, ठीक है। नाउ टेंडन, टेंडन क्या होता है, बम डी, जो बोन को मसल से अटैच कराते। नाउ टेंडन विच अटैच मसल टू बोन एंड लिगामेंट, लिगामेंट क्या बताया था, बोन टू बोन कनेक्शन, ठीक है। लिगामेंट विच डेंस रेगुलर कनेक्ट, एक मेडिक वर्ड, लिगामेंट विच अटैच बोन टू अनदर बोन आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस टिश्यू, ठीक है भाई, किस टिश्यू का, इरेगुलर टिश्यू का, डेंस, ठीक है, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, डेंस रेगुलर, सॉरी डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है, वहाँ पे फाइबर एंड मिनी फाइबर्स मोस्टली कोलेजन फाइबर्स होते हैं दैट आर ओरिएंटली डिफरेंटली, मतलब इधर उधर बिखरे पड़े होते हैं, ठीक है। अगर तुमको आपको एग्जांपल देखना है डेंस रेगुलर का, ये देखो रेगुलरली फाइबर रेंज है ना ऊपर, तो ये डेंस रेगुलर, और ये देखो बिखरे बिखरे फाइबर रेंज है यहाँ सब देखो, ठीक है, ये डेंस इरेगुलर का एग्जाम्पल है। नाउ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द स्किन, कौन सा इरेगुलर की बात कर रहा है, देखो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू हैज फाइब्रोब्लास्ट एंड मेनी फाइबर्स दैट आर ओरिएंटेड डिफरेंटली पड़े होते हैं। नाउ डिश टिश्यू मतलब कौन सा, इरेगुलर की बात कर रहा है, इरेगुलर डेंस कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट इन द स्किन, स्किन में प्रेजेंट होता है, हमने कहा बताया स्किन में भी, कहा स्किन के डर्मिस में बताया था ना, बिखरे बिखरे फाइबर्स बनाए थे, प्रेजेंट इन द स्किन एंड कार्टिलेज, कार्टिलेज में भी प्रेजेंट होता है, बोन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, एंड ये तो लिख दे रहा है बोन एंड, ठीक है, कार्टिलेज, सॉरी दिस टिश्यू इज बोन प्रेजेंट इन स्किन, ठीक है, ओके ओके। और अगर बात करें हम लोग कार्टिलेज, बोन एंड ब्लड आर स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नाउ यहाँ यहाँ से बात स्टार्ट कर सकते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है, ठीक है, ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, नाउ ओके, ठीक है, और देखते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव, द इंटरसेलुलर मटेरियल ऑफ कार्टिलेज, इंटरसेलुलर मटेरियल मतलब जो सेल के बीच में पड़े होगा, ऑफ सॉलिड एंड प्लायबल, प्लायबल जो मतलब ग्राउंड मैट्रिक्स की बात कर रहा है, उसका ग्राउंड मैट्रिक्स कैसा होगा, सॉलिड होगा मतलब ठोस होगा और प्लायबल होगा, देखो ठोस होगा दैट मीन्स हार्ड होगा, लेकिन बोन के कंपेयर में नहीं, ठोस होगा बोन के कंपेयर में, इसका जो ग्राउंड मैट्रिक्स है वो थोड़ा थोड़ा कैसा होगा, सॉफ्ट होगा, देखो प्लायबल दिख रहा है, प्लायबल का मतलब लचीला होगा, ठीक है, एंड रसिस्ट कंप्रेशन, थोड़ा बहुत लचीला होगा। नाउ सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इसकी जो सेल्स होती हैं कॉर्डिलेज की, कॉन्ड्रोसाइट, ठीक है, आर इंक्लोज इन स्मॉल कैविटीज, हमने बताया नहीं था स्मॉल कैविटीज होती है, स्मॉल गड्ढे होते हैं, सेलोपीट्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं लेपनी, उसी में, नाउ जिसमें सेल्स रखी होंगी, नाउ द सेल्स ऑफ दिस कॉन्ड्रोसाइट ऑफ द इंक्लोज इन स्मॉल कैविटीज विद इन द मैट्रिक्स सेक्रेटेड बाय देम, ठीक है, ओके, मोस्ट ऑफ कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट्स एम्ब्रायोज आर रिप्लेस्ड बाय बोन इन एडल्ट, ये बता रहा है कि ज़्यादातर कार्टिलेज जो होती हैं वो ह्यूमन में क्या कह रहा है, ओके ऐसा कुछ कहा नहीं इसने, ह्यूमन ह्यूमन ये बता रहा है कि जो मोस्ट ऑफ कार्टिलेज है ना वो
दैट मीन्स एडल्ट जो मतलब इम्ब्रियो से एडल्ट में कन्वर्ट होंगी, जो जब इम्ब्रियो से एडल्ट में हम लोग कन्वर्ट हो रहे होंगे तो मोस्ट ऑफ कार्टिलेज जो है वो बोन में कन्वर्ट हो जाएगी, यही इसका मतलब है। तो मोस्ट ऑफ द कार्टिलेज इन वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट में मोस्ट ऑफ कार्टिलेज होती है वो इम्ब्रियोज आर रिप्लेस्ड बाई बोन, वो कार्टिलेज इम्ब्रियो से बोन में रिप्लेस्ड हो जाती हैं। कब 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 एडल्ट में, जब हम लोग एडल्ट होते हैं वही कार्टिलेज हम लोगों की बोन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ओके, नाउ कार्टिलेज इज प्रेजेंट इन द टिप ऑफ नोज, बाई टिप कौन सी बताई थी, टिप ऑफ नोज, इलास्टिंग कार्टिलेज बताई थी ना, आउटर ईयर ज्वाइंट, ईयर बिन्ना में, ये देखो यहाँ पे भी इलास्टिंग कार्टिलेज, बिटवीन एडजेसेंट बोन ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम में बताई थी वाइट कार्टिलेज, एंड लिम्स एंड हैंड्स, हैंड्स में भी भाई जो बोन है लिम्स हैं उनकी जो बोन के ऊपर जो पाई जाती है कवरिंग कार्टिलेज वो हाईलेस कार्टिलेज, हाईलाइन कार्टिलेज की कवरिंग पाई जाती है, वही बता रहा है, ठीक है। नाउ अब बात करें हम लोग बोन की, तो दैट मीन्स अगर हम लोग ये देखें, ये देखो कार्टिलेज का हम लोगों ने डायग्राम बनाया था ना, ये देखो ये लैकुनीज हैं, ये इसकी सेल्स हैं अंदर प्रेजेंट हैं, कॉन्ड्रोसाइट, ये कोलेजन फाइबर हैं, ठीक है। तो डायग्राम देख लो, बोन की बात करें, बोन है हार्ड एंड नॉन प्लाइबल, जो इसका ग्राउंड फैट्रिक्स होता है वो लचीला नहीं होता, ठीक है, ग्राउंड पेरेबल नॉन प्लाइबल ग्राउंड मैट्रिक्स सब्सटेंस विच इन कैल्शियम साल्ट, कैल्शियम के साल्ट प्रेजेंट होते हैं इसीलिए वो इतना हार्ड होता है, हमने बताया ना 68 to 62% कैल्शियम साल्ट प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड कोलेजन फाइबर विच गिव बोन इन स्ट्रेंथ, और इसमें बीच में कोलेजन फाइबर बने होते हैं जो कि बोन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, मजबूती प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तभी तो भगवान मिट्टी खाते थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि मिट्टी में क्या होते हैं, कैल्शियम होते थे, ठीक है। कैल्शियम जाएगा बॉडी में, बॉडी में जाएगा वहाँ से ब्लड स्टोर होगा, वहाँ पे बोन में जाएगा, और बोन से क्या होगा, हड्डी मजबूत होगी, तभी राक्षसों से लड़ने में मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि राक्षसों से मरना मजबूत, हड्डी मजबूत होनी चाहिए, इसीलिए भगवान मिट्टी को खाते थे, कैल्शियम वैल्शियम इसीलिए पहुँचता था, ठीक है। तो दैट मीन्स समझ गया ना, अब आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड्स स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, बोन जो है वही कार्टिलेज भी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जो मेन टिश्यू है जो हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है वो क्या है, बोन है, ठीक है। तो इट इज द मेन टिश्यू दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर फ्रेम ऑफ द बॉडी, ठीक है। बोन सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट सॉफ्टर टिश्यू, हमने बताया नहीं, इट प्रोटेक्ट विसरस ऑर्गन, तो वही कह रहा है जो सॉफ्ट ऑर्गन है हम उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द बोन सेल लाइक ऑस्टियोसाइट, लाइक नहीं, द बोन सेल ऑस्टियोसाइट आर प्रेजेंट इन द स्पेसेस लैकुनी, बताया नहीं, तो वो जो स्पेस होती है उसमें ऑस्टियोसाइट प्रेजेंट, उसको उसी स्पेस को लैकुनी बोलते हैं, ठीक है। लिम बोन सच इज द लॉन्ग बोन, ठीक है, सच है द लॉन्ग बोन, सर वेट बियरिंग फंक्शन, ये भी बताया था भाई, हमारी बॉडी का वेट बियरिंग का काम भी तो कर रही है बोन्स, ठीक है। नाउ दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल मसल, और हाँ एक फंक्शन ये भी है, हमारी स्केलेटल मसल है उनको अटैचमेंट, साइट ऑफ अटैचमेंट भी तो प्रोवाइड कर रही है मसल, वही ये फंक्शन लिख रही है एनसीईआरटी। नाउ दे आल्सो इंटरेक्ट विद स्केलेटल अटैचमेंट टू ब्रिंग अबाउट मूवमेंट, ताकि मूवमेंट हो सके, ठीक है। द बोन मैरो इन सम बोन्स, नाउ सारे बोन में बोन मैरो नहीं प्रेजेंट होती, कुछ बोन में जो लॉन्ग जैसे हमारी फीमर बोन है बोन मैरो, द बोन मैरो इन सम बोन्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सेल, ठीक है। हमने बताया था ना हीमोपोइसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन होता है ना ब्लड का, तो फॉर्मेशन होता था बोन मैरो, बोन मैरो प्रेजेंट कहाँ होती बीच में बोन में, ठीक है। तो ये बोन का एग्जाम्पल दिखा दिया, ये तो कॉन्सेंट्रिक रिंग के फॉर्म में अरेंज है ये देखो, ठीक है, क्या ये अपना कंसेंट्रिक रिंग के फॉर्म में सारी लैकुनीज प्रेजेंट है, ये ब्रांचिंग सेल्स हैं, ठीक है, जिसको हम लोगों ने बोला क्या ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इन जो ब्रांचिंग्स में जो कैनाल्स निकली हुई हैं ना सेल्स, इनको कैनाली भी लिखा, हालांकि वो लिखा नहीं है, चलो कोई बात नहीं है। अब एक स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोगों ने कार्टिलेज देख लिया, बोन देख लिया, देख उसके बाद फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू में आ जाएं, सपोर्टिव पढ़ लिया, फ्लूड कनेक्टिव, फ्लूड में दो होते हैं ना ब्लड और लिम्फ, इसमें केवल ब्लड बताया गया, तो हम लोग ब्लड भी पूरा नहीं बताया गया हुआ है, ठीक है। तो ब्लड में तो जानते हो ना, ब्लड इज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू कंटेन प्लाज्मा, भाई दो चीज़ का ब्लड बना होता है, प्लाज्मा एंड ब्लड सेल, प्लाज्मा जो होता है 55% प्रेजेंट होता है और ब्लड सेल्स कितना होता है 45%। नाउ और ब्लड सेल्स तीन होती हैं आरबीसी डब्ल्यूबीसी और ब्लड सेल्स, तो ये दिखला ब्लड इज फ्लूड कनेक्टिव टिश्यू प्लाज्मा कंटेनिंग प्लाज्मा एंड सेल्स, सेल्स में आरबीसी वाइट ब्लड प्लेटलेट्स, ठीक है। और ब्लड का मेन फंक्शन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम होता है, ट्रांसपोर्टिंग गैस ट्रांसपोर्ट करती है भाई
ठीक है, मेन चीज़ क्या होता है, इट इज़ द मेन सर्कुलेटिंग फ्लूड दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ वेरियस सब्सटेंस, भाई गैस ट्रांसफ़र करती है और ग्लूकोज ग्लूकोज को भी तो ट्रांसफ़र किया जाता है ना। यू कैन लर्न अबाउट द सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, वहाँ पर ये दो सिस्टम RBC ऐसी और ये WBC है, ठीक है। तो ये कनेक्टिव टिश्यू हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया, दैट्स इट, हम लोग देखेंगे मस्कुलर टिश्यू, उसके बाद न्यूरल टिश्यू, थोड़ा थोड़ा बचा है, कंप्लीट, ओके, टेक केयर, बाय।